नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक डीआईवाई चैनल पे। आज के प्लेग्राउंड सेशन में हम एक एप्लीकेशन देखेंगे जो कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में है। फ्रंट एंड में रिएक्ट का यूज़ किया हमने, बैक एंड में स्प्रिंग बूट एंड मोंगोडीबी का यूज़ किया है। और आज के वीडियो की खासियत यह है कि यहाँ पर हर एक पूरा सेशन हमने चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके पर्टिकुलर चैप्टर के लिंक पे क्लिक करके आप वहीं से आगे का पार्ट देख सकते हैं अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते। तो ये एक चीज़ है। और ये जो ऐप है ये बेसिकली हमारी ही एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, योस्टफ, जो गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है डाउनलोड के लिए। तो उसी का हम वेब वर्जन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। करेंटली उसका कोई वेब वर्जन नहीं है, इट्स जस्ट एन एंड्रॉयड ऐप जिसका कि जिसमें हम फायरबेस डीबी का यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं एक वेब एप्लीकेशन में। सो यही है आज की कहानी, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमको बताएं कि हमें हिंदी में वीडियोस कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं। एंड ये वीडियो भी हिंदी, हमारी हिंदी वाली प्लेलिस्ट में ऐड होगा, तो आप वहाँ से इस पूरे सेशन को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने लिस्ट किया है, यानी कि होम बटन पे क्लिक करने, होम मेन्यू आइटम पे क्लिक करने पे हमको सारे ब्लॉग्स दिख रहे हैं। एडिट पे क्लिक करके हम अपडेट ब्लॉग पेज पे आ रहे हैं। ऐड पे क्लिक करके हम नया ब्लॉग ऐड कर पा रहे हैं। तो और डिलीट पे क्लिक करके हम एग्जिस्टिंग ब्लॉग को डिलीट कर पा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्प्रिंग बूट एंड मोंगो डीबी का यूज़ किया हमने बैकेंड में। ये मोंगो डीबी कंपस एप्लीकेशन है, एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप मोंगो डीबी कलेक्शंस को देख सकते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन भी मैं जब बैकएंड कवर करूँगा उस चैप्टर में मैं ये पूरा शो करूँगा आपको। तो यहाँ पे ये तीन ब्लॉग्स हमारे करंटली मोंगो डीबी से आ रहे हैं और शो हो रहे हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। और आगे चलने से पहले प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड प्रोवाइड योर कमेंट्स ऑल्सो। तो चलिए अभी हम स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ में चलेंगे और हमारे बैकेंड की कहानी शुरू करेंगे। तो या इसी के साथ हमारी बैकेंड की कहानी शुरू होती है। हम पहुंच गए हैं अपने स्टार्ट डॉट स्प्रिंग डॉट आईओ में। यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन के लिए मोंगो डीबी, लॉम्बॉक एंड स्प्रिंग वेब लेंगे। पैकेजिंग हम करेंगे जार में और जावा 8 भी हम लोग यूज़ करेंगे और मेवन प्रोजेक्ट बिल्ड जो रहेगा वो हमारा मेवन रहेगा। तो इसी के साथ प्रोजेक्ट हमने बिल्ड हमने जार जनरेट कर लिया है और अब उसको इंपोर्ट करना है हमको आइडिया में, जो हम कर रहे हैं अभी। तो आइडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये स्टेप कॉमन ही है जो हम पिछले कई वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मेवन बिल्ड हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और अभी हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। तो बेसिकली ये जो स्टेप है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जितनी भी डिपेंडेंसीज हमने ऐड की है उनकी एक लोकल, हमारे M2 करके एक रिपोजिटरी बनती है, लोकल रिपोजिटरी, उसमें वो सारी चीज़ें नेट से डाउनलोड होके जाती है। जब हमारा प्रोजेक्ट का फर्स्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसको आइडिया में, तो वही काम यहाँ पे अभी हो रहा है। और वो होने के बाद एक बार प्रोजेक्ट पूरा बिल्ड होता है, जो स्कैफोल्डिंग बना है वो पूरा बिल्ड होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जो प्रोजेक्ट का इनिशियल स्ट्रक्चर है वो, जिसके ऊपर जो हमको ये बना के दे रहा है, मेवन बना के दे रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं pom.xml में जो डिपेंडेंसीज हमको चाहिए वो सारी हैं वहाँ पे। और यहाँ पे ये पैकेज स्ट्रक्चर हमने दिया था, तो ये पैकेज बन गया। अभी हम पैकेज स्ट्रक्चर में, नॉर्मली जो हम पैकेज स्ट्रक्चर रखते हैं उसमें हम कुछ स्पेसिफिक पैकेज बनाते हैं
जैसे कि कॉन्फिग होगा, मॉडल होगी, मॉडल होगा, सर्विस होगा, रिपोजिटरी होगा, और इन सब के साथ कंट्रोलर भी होगा। तो वही हम कर रहे हैं अभी यहाँ पे। तो रिपोजिटरी बना लिया, अभी हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल क्योंकि अपना ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है तो मॉडल क्या होना चाहिए, मॉडल ऑब्वियसली ब्लॉग ही होना चाहिए। तो ब्लॉग हम बना रहे हैं और लॉम्बोक एनोटेशंस हम यूज़ कर रहे हैं, एड डेटा एट ऑल आर कंस्ट्रक्टर, नो आर कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग, एंड ये एड डॉक्यूमेंट जो है ये अपना मोंगोडीबी का अनोटेशन है, और कलेक्शन ब्लॉग देते हैं तो हमारा जो कलेक्शन मोंगोडीबी में बनेगा वो ब्लॉग के नाम से बनेगा। एंड मोंगोडीबी जो है डॉक्यूमेंट डेटाबेस है, यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो कलेक्शंस के रूप में स्टोर होते हैं। ये PLSQL सॉरी अपना ओरेकल के जैसे नहीं है, रिकॉर्ड्स की फॉर्म में नहीं जाता डेटा, डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में जाता है। एंड ब्लॉग जो है, ब्लॉग में हम तीन चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं। ये कितना भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कई सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हो सकते हैं। करंटली हम सिर्फ आईडी, टाइटल एंड कंटेंट ही रखे हैं, आप चाहें तो इसमें और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी हम रिपोजिटरी बना रहे हैं, ब्लॉग रिपोजिटरी। और जैसा आपको पता है कि अगर आपने स्प्रिंग डेटा का यूज़ किया होगा तो सिमिलर वे में एट रिपोजिटरी हमको डालना पड़ता है, इंटरफेस ब्लॉग रिपोजिटरी, एंड ये एक्सटेंड करेगा हमारा मोंगो रिपोजिटरी को। एंड यहाँ पे हमको अपना मॉडल और उसका आईडी का जो टाइप है वो यहाँ पास करना पड़ेगा। ये स्प्रिंग डेटा की ये खूबसूरती है कि हम एक एनोटेशन लगा के और एक क्लास को एक्सटेंड करके सारी जो क्रड की फंक्शनैलिटीज़ हैं, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के द्वारा क्वेरी करना, और वो सारा कुछ हमको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। मतलब हमको हमारे लिए ऑलरेडी हमारे जो हमारा कलेक्शन है उसके लिए मिल जाता है, हमको अलग से कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने वही किया है। हम हाउ टू डू इन जावा, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध वेबसाइट है जावा के लिए, तो हम इसको रेफ़र कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी हम फंसेंगे तो हम इसको, इसके एग्जाम्पल को फॉलो करेंगे। तो वही है, तो इसके साथ जैसा कि ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल है जिसमें इसने हालांकि डेटा लिया है, H2 डेटाबेस लिया है, हम H2 नहीं लेके हम अपना मोंगो लेंगे। और ये जो एग्ज़ाम्पल हम दिखा रहे हैं ये मोंगो रिएक्टिव मोंगो का है, बट हमारा जो ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हम आज कर रहे हैं ये रिएक्टिव मोंगो का नहीं है। फ्यूचर में हम कंप्लीट रिएक्टिव स्टैक भी बनाएंगे जिसमें हमारा जो रिएक्ट जेएस है वो भी रिडक्स का यूज़ करके रिएक्टिव होगा, और बैकेंड भी हम वेबफ्लक्स और इंस का यूज़ करके रिएक्टिव बनाएंगे। सो दैट वुड बी द फ्यूचर। अभी हम रेस्ट कंट्रोलर लिख रहे हैं अपना। रेस्ट कंट्रोलर में जैसा आपको पता ही है कि रेस्ट कंट्रोलर में गेट मैपिंग, जो भी HTTP मेथड्स की मैपिंग रहती है वो एनोटेशन के साथ हम डाल सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। एट गेट मैपिंग दे रहे हैं, पहली मैपिंग रहेगी जो कि ऑब्वियसली होम पेज पे हम जब भी ऐप हमारी एप्लीकेशन का होम पेज लोड होगा तो हमको सारे ब्लॉक्स दिखने चाहिए, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमारा जो कंट्रोलर है वो बेसिकली हमारे सर्विस क्लास को कॉल करेगा। सर्विस क्लास यहाँ पे ऑटो वायर्ड रहेगी उसके साथ, तो वही हम सर्विस क्लास लिखते हैं। सर्विस क्लास फर्दर उसको डेलीगेट कर देगी रिपोजिटरी पे, तो काम हमारा सारा रिपोजिटरी ही करेगा। यहाँ पे हम सर्विस क्लास को ले रहे ताकि कॉल्स जो हैं वो डेलीगेट हो जाएं। तो डेलीगेशन मॉडल के लिए हम ब्लॉग सर्विस क्लास बना रहे हैं, और इसके अंदर हम सारे जो पॉसिबल क्रड ऑपरेशंस हमको दिख रहे हैं फिलहाल, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, तो वही वही हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इस इंटरफेस में। अगेन हम इंटरफेस लिख रहे हैं, इस इंटरफेस को एक्सटेंड करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे एक पर्टिकुलर सर्विस में, ब्लॉक सर्विस में, और वो ब्लॉक सर्विस को हम एक्चुअल में वो रिपोजिटरी से ऑटो वायर होके, रिपोजिटरी उसमें ऑटो वायर होगी और वहाँ से फिर हम सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्ट दे रहे हैं क्योंकि फाइंड ऑल मतलब एक से ज़्यादा हमारे पास आएंगे ऑब्जेक्ट्स, ब्लॉक्स डेटा आएगा तो उसको हम लिस्ट में डाल लेंगे। और डिलीट
डिलीट भी हम टाइटल से भी कर सकते हैं, बट टाइटल से करने का आप लोग उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इसको आईडी से ही डिलीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूआई से हमारे पास आईडी से ही आएगा। हम बना रहे हैं डिलीट का भी, पर आगे देखते हैं इसको। तो ब्लॉक सर्विस हम लिख रहे हैं अभी, जो कि इम्प्लीमेंट करेगा आई ब्लॉक सर्विस को। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सारे मेथड्स हमारे आईडी ने जनरेट करके हमको दे दिए। इसको हम एनोटेट कर देंगे ऐड सर्विस से, और ऐड सर्विस से एनोटेट करने के बाद इसकी ऑटो वायरिंग हम करेंगे। सर्विस की ऑटो वायरिंग हम कंट्रोलर में करेंगे। यहाँ पे अभी हम रिपोजिटरी को ऐड कर रहे हैं। तो एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा, जब भी हम सिंपली एट ऑटो वायर लिखते हैं और इस तरह से फील्ड के ऊपर करते हैं, तो ये बेसिकली ऑटो वायरिंग ऑन सेटर गेटर्स होती है, ठीक है। और इसी को कंस्ट्रक्टर के ऊपर भी कर सकते हैं। हम फ्यूचर के किसी एग्जांपल में वो भी शो करेंगे आपको कि वो कैसे होता है। तो अभी फाइंड बाय टाइटल है, इसमें हम टाइटल पास कर रहे हैं। ये टाइटल मेथड हमने वहाँ पे क्वेरी लिखा है, फाइंड बाय क्वेरी। तो ये जो क्वेरी लिखा है, इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, इस फील्ड के लिए, हम इस तरह से पैरामीटर पास करके और फाइंड मेथड डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं। बेसिकली अपना डिक्लेरेशन से ही हमारा काम चल जाएगा इंटरफेस में। तो ये भी एक बहुत अच्छी खूबसूरती ये स्प्रिंग बूट हमको देता है। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो स्ट्रिंग टाइटल में आए, चलिए देखते हैं। अभी सब ठीक होना चाहिए। हाँ, अभी सब ठीक है। अब रिपोजिटरी डॉट डिलीट को कॉल करेंगे, बट डिलीट वुड बी एक्सपेक्टिंग, डिलीट हमारा आईडी के द्वारा है, तो वही ट्राई करते हैं। डिलीट बाय टाइटल भी होना चाहिए, नहीं है तो हमको डिलीट मेथड लिखना पड़ेगा, और वो एक अलग प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो उससे बचने के लिए अभी फ़िलहाल इस वीडियो के लिए हम आईडी ही ले रहे हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले ही ये वीडियो बहुत लंबा है, तो वही हम कर रहे हैं, डिलीट बाय आईडी। बेसिकली इस तरह की एप्लीकेशंस में डिलीट बाय आईडी ही यूजुअली हम करेंगे, क्योंकि यूआई से हिडन मतलब छुपे हुए तौर पे यूआई से हम लोग पास करते हैं इसको, आईडी को पास करते हैं, और वही आईडी के थ्रू ही सारे कम्युनिकेशन होता है। तो डिलीट बाय आईडी का तुक यहाँ पे थोड़ा कम बैठता है, तो हम वही करेंगे। डिलीट बाय आईडी की जगह फाइंड बाय आईडी या डिलीट बाय आईडी ही करेंगे, डिलीट बाय टाइटल की जगह, सॉरी। तो वही हम करने जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे ब्लॉक सर्विस को, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, कंट्रोलर जो है वो हैंड ओवर करेगा अपने काम को ब्लॉक सर्विस को, एंड ब्लॉक सर्विस फर्दर रिपोजिटरी को कॉल करेगा, और रिपोजिटरी हमारे एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। तो ये एक जनरल यूज़ केस है। मोस्ट ऑफ द यूज केसेस में हम इसी तरह का सेटअप करते हैं प्रोजेक्ट्स में भी। एक चीज़ जो यहाँ पे हो सकती थी, या पर उससे वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाती, हम यहाँ पे स्प्रिंग सिक्योरिटी का भी यूज़ कर सकते थे। उस केस में हमको JWT या OAuth के थ्रू एनोटेशंस हमको पास करनी पड़ती वहाँ से, और फ्रंट एंड से भी वो सारी चीज़ें टोकन्स वगैरह पास करने पड़ते, और यहाँ पे हम उसके थ्रू ही एक्सेस कर पाते। अभी हम उसको नहीं कर रहे हैं अगेन। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने कुछ एंड पॉइंट्स लिखे हैं, गेट मैपिंग लिखा है सारे ब्लॉक्स को लोड करने के लिए, और क्रिएट मैपिंग लिख रहे हैं। एंड एक और चीज़ है कि अभी हम यहाँ पे ब्लॉग आईडी जो है वो UUID को ले रहे हैं। UUID का होता है फुल फॉर्म, यूनिवर्सली यूनिक आईडी आइडेंटिफायर। तो ये जावा हमको जनरेट करके देता है, JVM हमको जनरेट करके देता है, एक लंबा सा कैरेक्टर स्ट्रिंग देगा ये, जिसमें कि अल्फा न्यूमरिक कीज होगी, वैल्यूज़ होगी। तो अभी जब हम शो करेंगे पोस्टमैन से, जब भेजेंगे डेटा और जब सेव करेगा, तब हम आपको उसको
दिखा देंगे लाइव कि कैसे वो जनरेट कर रहा है। अभी अपडेट यूआरएल में, अपडेट यूआरएल में सिंपली हमारा सेव वाला ही पार्ट रहेगा, ब्लॉग हमको मिलेगा और अपडेट यूआरएल जो है वो पुट रहना चाहिए, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। उसकी मैपिंग जो है वो पुट मैपिंग करेंगे एक ही अपडेट की। अभी लास्ट हम डिलीट के लिए कर रहे हैं, सेम वे में डिलीट में हम स्लैश आईडी, डिलीट स्लैश आईडी पास कर रहे हैं और वही आईडी हम पाथ पैरामीटर से उठा लेंगे, पाथ वेरिएबल से, एट पाथ वेरिएबल एनोटेशन से उठा लेंगे। एट पाथ वेरिएबल अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से उस पर्टिकुलर पाथ वेरिएबल को उठा लेता है जो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऊपर मैपिंग पाथ में, ठीक है, वहाँ से ही उठा लेगा और उसको पास कर देगा आगे। तो वही आईडी हम आगे पास कर रहे हैं ब्लॉग आईडी में। अब एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा रिपोजिटरी में जो डिलीट मेथड लिखा हुआ है वो वॉइड रिटर्न करता है बेसिकली, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो वॉइड रिटर्न करता है तो हमें भी वही चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, हमारा जो डिलीट मेथड है वो भी वॉइड ही रिटर्न करना चाहिए। तो चलिए हम उसको वॉइड रिटर्न करवा देते हैं। और बेसिकली जब भी हम डिलीट मेथड लिखते हैं और डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम HTTP स्टेटस चेक करते हैं उसका रेस्पॉन्स का, कि अगर डिलीट हो गया है तो वो HTTP स्टेटस ओके आता है, तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, देखते हैं, वही करने का कोशिश करते हैं हम यहाँ पे। रिटर्न टाइप वॉइड कर दिया और यहाँ पे अब दे देंगे रेस्पॉन्स स्टेटस, और रेस्पॉन्स स्टेटस में हम पास कर देंगे HTTP स्टेटस डॉट ओके। तो अगर डिलीशन प्रॉपरली हो गया है तो स्टेटस हमको ओके मिलेगा, और ओके स्टेटस मिलने पे हम उसको फ्रंट एंड को पास कर देंगे और वहाँ पे वो डिलीट ऑपरेशन का जो भी वहाँ पे आउटपुट देना है वो वहाँ पे दे देंगे। तो वही हो रहा है, तो इस तरह से हमारा, हम बहुत करीब हैं इसको पूरा करने के। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशंस नहीं लिखा है, कॉन्फ़िग क्लास अभी हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे क्रिएट करते हैं हम MongoDB कॉन्फ़िगरेशन, मोंगो कॉन्फ़िगरेशन नाम से क्लास बनाया हमने और इस तरह से वो शो करेगा। अभी फ़िलहाल जो है ये सारा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा है तो पोर्ट तो सेम ही रहेगा, 21017 पे ही हम लिसन कर रहा है हमारा MongoDB, तो उसी को यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। डेटाबेस नेम क्योंकि हमने नहीं दिया है और सर्वर अप कर दिया था, तो अभी टेस्ट करके एक डेटाबेस बना होगा वहाँ पे और उसी में हमारा कलेक्शन, ब्लॉग कलेक्शन जाके स्टोर हुआ होगा। तो जब हम कंपस में देखेंगे तो हम वहाँ पे आपको दिखा देंगे ये चीज़। कॉन्फ़िगरेशन में अभी हम एब्स्ट्रैक्ट मोंगो क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे अभी हम अपना डेटाबेस नेम पास करें, जैसा कि आपने डेटाबेस नेम प्रॉपर्टी हमने सेट की थी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, एप्लीकेशन YAML में हमने प्रॉपर्टी सेट की, तो वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और उन्हीं वैल्यूज़ को हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं एट वैल्यू एनोटेशन के द्वारा, और स्ट्रिंग DB नेम हम पास कर रहे हैं वहाँ से ब्लॉग DB। तो अब सेकेंड टाइम में जब हम इसको रन करेंगे तो MongoDB के अंदर ब्लॉग DB के नाम से डॉक्यूमेंट बनेगा और उसमें हमारा ब्लॉग कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अभी हम मोंगो क्लाइंट और डेटाबेस नेम और ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इसके लिए हम इसको रेफ़र कर रहे हैं हाउ टू डू इन जावा को। तो बेसिकली मोंगो कॉन्फ़िगरेशन में हमको डेटाबेस नेम देना पड़ता है, पोर्ट देना पड़ता है, फिर उसके बाद हमको डेटाबेस नेम को उसमें क्लाइंट, मोंगो क्लाइंट बनाते हैं, क्लाइंट का बीन बनाते हैं, उसमें उसको DB नेम को पास करना पड़ता है, सॉरी मोंगो क्लाइंट तो बन जाएगा, मोंगो टेम्पलेट में हमको क्लाइंट और DB नेम को पास करना पड़ता है, तो वो हम आगे देखेंगे। सेम कॉन्फ़िगरेशन अगर ये रिएक्ट ऐप होती तो रिएक्टिव मोंगो टेम्पलेट हो जाता और क्लाइंट सेम ही रहता है, पर रिएक्टिव मोंगो टेम्पलेट हो जाता और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये भी रिएक्टिव वाली क्लास हो जाती है यहाँ पे। ये हमने पहले भी किया है, तो अगर आपने हमारे पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको ध्यान होगा कि कैसे हम उसको करते थे कॉन्फ़िगरेशन, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, वो हमारी प्लेग्राउंड सेशंस में आपको मिल जाएगा।
आई थिंक वो हमारी हमारे चैनल का सबसे पहला वीडियो ही हमारा वेब फ्लक्स और मोंगो डीबी पे ही था, तो आप उसको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो ये हमने मोंगो टेम्पलेट बना दिया और हमारी कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो गई है इसके साथ। अब हम यहाँ पे जस्ट इसमें इसने रिएक्टिव वाला बताया और यहाँ पे हमने नॉन रिएक्टिव यानी सिंपल यूजुअल जो अपना होता है एमवीसी वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मोंगो टेम्पलेट इसके अंदर हम पास कर देंगे क्लाइंट और डेटाबेस नेम जो हमने ऊपर बनाया है ये। तो इस तरह से हम अपना मोंगो टेम्पलेट बना लेंगे। ठीक है, तो ये हमने बना दिया और अब ये थोड़ा कॉन्फ़िगरेशंस थी जो हमको यहाँ करनी थी वो हमने कर दी है। इस कॉन्फ़िगरेशन के बाद अभी हमको यहाँ पे एड बीन लगा के इसको एनोटेट करना पड़ेगा। आई थिंक ठीक है, अभी हम अपने सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे इसी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ओके, हम उसको डबल चेक कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन को, क्योंकि हमारी कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो उस पे थी, वेब फ्लक्स बेस्ड पे थी, और यहाँ हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सिंपल मोंगो है। तो हम स्प्रिंग डॉक्स, ये स्प्रिंग डॉक्स का लिंक है, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में क्या कॉन्फ़िगरेशंस रहती है, तो वो हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टेम्पलेट हम बनाते हैं, हम ये सारे, ये लिंक आप रेफर कर सकते हैं, स्प्रिंग डॉक्स में है ये लिंक पूरा। यहाँ पे आप पूरा उसका कॉन्फ़िगरेशन और भी फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस भी आप उसमें देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हमारा सब कुछ रेडी है। चलिए अभी कंट्रोलर में जाते हैं और सर्वर को रीस्टार्ट करके देखते हैं। अभी सर्वर को रीस्टार्ट किया और ये हमने एक पोस्टमैन कलेक्शन बनाया है जिसमें हमारे जो भी एंड पॉइंट्स हमने डिफाइन किए वो सारे एंड पॉइंट्स यहाँ पे हमने दिए हैं, और हम उनको उनके थ्रू सर्वर को, इसको अपने बैकएंड को टेस्ट करेंगे। ये हमेशा अच्छा रहता है कि हम एंड पॉइंट को पूरा पूरा और सही से डिफाइन करें। जस्ट स्लैश क्लाइंट के लिए, मतलब क्लाइंट वोंट फील गुड। अब किसी एंड पॉइंट पे हम जस्ट स्लैश कह रहे हैं और फिर अज्यूम क्लाइंट के लिए एक अजम्पशन छोड़ रहे हैं कि वो कुछ भी हो सकता है। तो इट्स बेटर ऑलवेज टू गिव अ प्रॉपर एनोटे प्रॉपर पाथ, एंड पॉइंट पाथ जो है वो हमेशा हमारे प्रॉपर होने चाहिए और जहाँ तक हो सके डिफाइंड होने चाहिए। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं, ऑल में शो कर रहा है, डिलीट में कुछ इशू आ रहा है, देखते हैं क्या इशू है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो आईडीज हैं आप देख सकते हैं, जैसे हैशेस होते हैं, हैश जो जनरेट होते हैं जावा में, उसी तरह के आईडीज हमको मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमेशा यूनिक रहेगा, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नंबर वाला भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इंक्रीमेंट होके मिले या वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है। अभी हमारा डिलीट, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय टाइटल, फाइंड ऑल हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एक है अभी। अब इसको अपडेट करके देखते हैं, और अपडेट करने के लिए हमको पुट मेथड होना चाहिए। हम जस्ट नाम चेंज करके देख रहे हैं, बट यहाँ पे हमको आईडी भी पास करना था क्योंकि हमारा ब्लॉग अपडेट जो है वो अपडेट पूरा का पूरा एक्सपेक्ट करता है, यानी कि आईडी, टाइटल एंड कंटेंट तीनों चीज़ें वो एक्सपेक्ट करता है वो सिम, जबकि क्रिएट जो है वो सिर्फ सिर्फ टाइटल एंड कमेंट कंटेंट एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि हमने देखा था वहाँ पे कि अपडेट के केस में वो इसको आईडी को कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं और अभी अपडेट हमने ट्राई किया, एक और बार ट्राई करते हैं, देखें अपडेट की डिटेल डाल के देखते हैं क्या हुआ।
लेट्स गिव इट ट्राई, इट्स गिविंग 405 अभी। ओके अभी हमारा अपडेट भी काम कर रहा है, हमने पोस्ट की जगह पुट किया था, तो ये अपडेट जो है पुट मैपिंग होना चाहिए। पहले हमने टाइपो कर दिया था तो वो टाइपो एरर की वजह से वो ये इशू आ रहा था, तो अभी हमने फिर से पुट कर दिया है और वो काम कर रहा है। और अभी हमारा जो बैकएंड है ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी फाइंड बाय टाइटल वाला मेथड देखते हैं जिसमें हम क्वेरी पास कर रहे हैं, ऐड क्वेरी पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। रिपोजिटरी इंटरफेस में हमने डिफाइन किया था ऐड क्वेरी, तो वही देखते हैं कि वहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो फाइंड बाय टाइटल हम एक नया एंड पॉइंट ऐड कर रहे हैं, गेट ब्लॉग बाय टाइटल। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ब्लॉग्स के टाइटल एग्जैक्ट, मतलब टाइटल कोई यूनिक फील्ड नहीं है, तो टाइटल के केस में एक से ज़्यादा टाइटल हो सकते हैं एक ब्लॉग के, मतलब ब्लॉग्स के, तो इसलिए हमने उसको लिस्ट लिया है। अभी इसको देखते हैं, इसको कॉल करके। ये दो एंड पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, एक टाइटल के लिए और एक आईडी के लिए, तो वही हमने किया है। अभी पहले टाइटल का लिखा और उसको उस मेथड को हमने डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने का जो शॉर्टकट है वो मैकिंटोश में तो कमांड प्लस डी है, विंडोज़ में कंट्रोल प्लस डी है, तो वही हमने किया है। यहाँ पे कॉपी करो, सेलेक्ट करो पूरा कंटेंट और कंट्रोल डी कर दो तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, और इसी तरह से मैक में भी हो जाएगा। अभी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, फाइंड बाय आईडी को और फाइंड बाय टाइटल को, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। फाइंड बाय आईडी में हम अपना स्ट्रिंग आईडी पास कर रहे हैं इस तरह से, और क्योंकि फाइंड बाय आईडी आइडियली एक ही आईडी रिटर्न करेगा, क्योंकि आईडी एक यूनिक होता है, यूनिक आईडी हमारे केस में भी है, और यूनिक आईडी होता है तो नॉर्मली एक ही ब्लॉग हमको मिलेगा उस आईडी से, तो वही हम यहाँ कॉल कर रहे हैं। और ब्लॉग रिपोजिटरी फाइंड बाय आईडी तो वहाँ पर रहता ही है और वो ऑप्शनल रिटर्न करता है। अभी क्या होता है, फाइंड बाय आईडी जो रिपोजिटरी वाला है ये ऑप्शनल रिटर्न करता है, और ऑप्शनल में जैसा कि आपको पता है ऑप्शनल एक रैपर है, तो उस रैपर से अगर अपने को ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है तो डॉट गेट हमको पास करना पड़ेगा, तो वही हमने यहाँ पे किया है। और अभी इसको लिस्ट की जगह हमको आईडी करना पड़ेगा, तो यही हम यहाँ पे कर रहे हैं। कंट्रोलर तक में हमने वो रिफ्लेक्ट कर दिया, रिटर्न टाइप चेंज कर दिया है, और ये टाइटल की जगह आईडी हो जाएगा। अभी और ये ऊपर टाइटल मेथड डिफाइन किया ही था हमने टाइटल। अभी ये फाइंड जो हमारे नए एंड पॉइंट्स हमने लिखे हैं, अब हम उसको भी टेस्ट करके देखते हैं। सर्वर को रीबाउंस किया है, सर्वर को रीबाउंस करना मतलब उसको फिर से सर्वर को रीस्टार्ट करना, वही रीबाउंस एक टेक्निकल टर्म है, तो कंपनीज़ में ये भी कहा जाता है कि सर्वर को रीबाउंस करो। रीबाउंस करना मतलब उसको रीस्टार्ट करना, सर्वर को रीस्टार्ट करना जार्गन है। और अभी हमारा जो ये क्वेरी पैरामीटर है क्वेश्चन मार्क और ज़ीरो, तो इसको हमको, ये हमको प्रॉब्लम कर रहा था, इसको हमको इस तरह से डिफाइन करना चाहिए था एक्चुअली, तो वो कर्ली फ्लावर ब्रैकेट के बाहर था ज़ीरो, जबकि फ्लावर ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है, हो ही रहा है, और पोस्टमैन से हम हिट करके देखे हैं, तो यहाँ पे हमको फाइंड कर पा रहे हैं टाइटल से, फाइंड कर पा रहे हैं आईडी से। अभी टाइटल से हिट करके देख रहे हैं, आईडी से, यहाँ तो आईडी से हिट करके देख रहे हैं। सिमिलरली टाइटल से भी हमने देखा, फाइंड ऑल हमने देखा, जितने भी डेटाबेस में भी तीन ब्लॉक्स हैं तो वो तीनों को शो कर रहा है यहाँ पे। और इसी तरह से डिलीट भी हमने ट्राई किया, तो डिलीट के केस में हमको ओके स्टेटस मिल रहा है, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था। अभी हम इसी के साथ अब हम फ्रंट एंड पे चलते हैं, तो फ्रंट एंड में हमने npx create app, जैसा कि आप फर्स्ट लाइन देख पा रहे हैं टर्मिनल की, npx create react app spring react mongo, ये हमारा फ्रंट एंड का जो एप्लीकेशन है उसका नाम हमने दिया है spring react mongo। और ये जो npx create react app कमांड है ये बेसिकली हमारा पूरा जो
फ्रंट एंड का जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे रिएक्ट में हमारा app.js बनेगा, app.css बनेगा, इंडेक्स बनेगा index.js, index.html, और उसके साथ package.json, package.log.json, ये सारी फाइल्स यहाँ पे अभी करेंटली इस पर्टिकुलर ऑपरेशन के साथ हो रही है। जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप बोले हैं तो ये सारा कुछ यहाँ पे इसने करके दिया है। तो जो पूरा प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें हमारा सोर्स फोल्डर भी शामिल है वो सारा कुछ इसने यहाँ पे बना के हमको दे दिया। अभी हम देख रहे हैं कि कैसे हम टर्मिनल का जो फॉन्ट साइज़ है, अभी हम जो हमने स्कैफोल्डिंग तैयार हुआ है अपना, इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना के इसने दिया है इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं या स्ट्रक्चर बोल देते हैं। तो वो है, ये हमारा बन गया है, स्केलेटन भी बोल सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमारा बन गया है, अभी हमने उसको सीडी किया है उस फोल्डर में और अभी हमने देखा है तो ये हमारा स्ट्रक्चर इसने बना के दिया है हमको। और यहाँ पे हमारे app.js में हमने सारा रिमूव कर दिया और सिंपली एक हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हम हेलो वर्ल्ड लिख के इसको इसके सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। इस कमांड है npm start, तो npm start हम करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा और जो इसका npm node सर्वर में वो प्रेजेंट होने लगेगा। तो वही यहाँ पे होने वाला है। अभी हमने रिएक्ट मतलब npm start किया है तो ये हमारा सर्वर सेटअप और सर्वर सारा चालू हो रहा है, नोड सर्वर स्टार्ट हो रहा है हमारा। और इसके साथ ही क्रोम में एक एक्सटेंशन होता है रिएक्ट डेवलपर टूल्स जो है, ये हमारा जो डेवलपर टूल्स रहता है क्रोम में, उसी में रिएक्ट रिलेटेड कंपोनेंट वगैरह भी वहाँ पे शो कर सकते हैं। तो वही इंस्पेक्ट के साथ बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ पे हो सकती है, तो वही हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं क्रोम वेब स्टोर करके जो प्लेस है आपको पता है वहाँ हम जाके उस एक्सटेंशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी उसको ऐड किया हुआ है तो यहाँ पे आप देखेंगे उसका नाम है रिएक्ट डेवलपर टूल सेकेंड नंबर पर आया है और ये जैसा आप देख सकते हैं ऐड किया हुआ है ऑलरेडी हमने, अभी हमने वो ऐड किया हुआ है। और जब हमारा रिएक्ट ऐप क्रोम में चल रहा होगा तो हम उसको कंट्रोल शिफ्ट जे करके या ऑल्ट शिफ्ट जे करके विंडोज़ में हम ये खोल पाएंगे। और मैकिंटोश में ऑप्शन कमांड जे, इससे ये खुल जाएगा। ठीक है, अभी हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है और हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन हमको दिख रही है और यहीं पे हमने ये खोला है। यहाँ पे हमको कंपोनेंट रिएक्ट का कंपोनेंट और प्रोफाइलर वो सब मिल रहा है। अभी हम फॉन्ट साइज़ को बढ़ा रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर में जाके सेटिंग्स टेक्स्ट एडिटर में जाके फॉन्ट साइज़ हम 20 दे रहे हैं ताकि हम क्लियरली इसको शो कर सकें। और टर्मिनल का फॉन्ट साइज़ हमको चेंज करना है तो उसके लिए हमको कमांड पैलेट में जाना पड़ेगा। कमांड पैलेट में जाके हमको ओपन सिस्टम जेसन जो है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये फाइल खुलेगी। इस फाइल में हमको लास्ट में ऐड किया है जैसा हमने terminal.integrated.font-size-20 ये हमको करना पड़ेगा और जो साइज़ हमको चाहिए उतनी साइज़ हम दे सकते हैं। यहाँ 20 हमको ठीक लगता है तो हमने वो दिया। और अभी हम जो मतलब हमारा वेनिला रिएक्ट है उसके ऊपर अभी हम और चीज़ें CSS लाइब्रेरीज और दूसरी जो राउटिंग की लाइब्रेरी है प्लस एक्सियोस लाइब्रेरी है जो कि हमारी कनेक्ट करती है फ्रंट एंड को बैक एंड से, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। सपोर्टिंग लाइब्रेरीज हम लोग या डिपेंडेंसीज कह लीजिए, बैक एंड की टर्मिनोलॉजीज में हम डिपेंडेंसीज बोलते हैं, तो वही हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। मेनली हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप, रिएक्ट स्ट्रैप, रिएक्ट राउटर डॉम, जैसा कि नीचे टिकर में दिख रहा है, रिएक्ट राउटर डॉम, रिएक्ट टोस्टिफाई, एक्सियोस एट्सेट्रा, ये सारी लाइब्रेरीज हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं। तो यही सारी लाइब्रेरीज हम यहाँ पे npm install के साथ इन सब के नाम दे देके हमको ये अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो वही हमारा हो रहा है, वही काम। अभी हम उसका लिंक्स भी आपको शो कर रहे हैं,
ये लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शंस में भी मिल जाएंगे, सेम सारे यही सारे लिंक्स, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और अपने हिसाब से इनका यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप जो कंपोनेंट्स हैं, बटन हो गया, कार्ड हो गया, ये काफ़ी अच्छे कंपोनेंट्स हैं जो इन जो कि ओपन सोर्स हैं और यहाँ पे अवेलेबल है, जैसा कि रिएक्ट स्ट्रैप के थ्रू हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं, तो वही हम यूज़ करने जा रहे हैं रिएक्ट स्ट्रैप का यहाँ पे। और रिएक्ट स्ट्रैप में हम मेनली हम लोग कार्ड और बटन्स का यूज़ करेंगे, कार्ड, कार्ड बॉडी, कार्ड टाइटल, बटन, कंटेनर, ये सारे हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया अपना रिएक्ट स्ट्रैप। दूसरा है अपना रिएक्ट राउटर डॉम। तो रिएक्ट राउटर डॉम हम सर्च करके वो पेज खोलते हैं। अब तो ये सारे खोल मतलब आप जनरल गूगल पे भी इसको लिखेंगे तो ये आपको प्रॉपर लोकेशन पे पहुंचा देगा। जैसे ये टोस्टिफाई है जो हमारे मैसेजेस शो करने होते हैं, तो काफ़ी आकर्षक मैसेजेस ये बना के देता है हमारे साइट पे, और इसका यूज़ करना, इसको अपने एप्लीकेशन में यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है। आप देखिएगा जस्ट 2 or 3 लाइन ऑफ कोड से हम इसको अपने एप्लीकेशन में इनेबल कर पाएंगे। 2 लाइन, एक डिक्लेरेशन के लिए, इंपोर्ट के लिए, और दूसरी एक्चुअल यूज़ के लिए, और तीसरी जहाँ पे उसको रेंडर करना है उसके लिए। तो इन 3 लाइन ऑफ कोड जो अलग अलग प्लेसेस पे है वहाँ से हम अपना टोस्टिफाई का काम पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम देख रहे हैं टोस्टिफाई, राउटर डॉम और एक्सियोस। ये रिएक्ट एक्सियोस है। एक्सियोस बेसिकली HTTP मेथड्स जो रहते हैं, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, हेड, वो सारे मेथड्स के लिए रैपर क्लासेस ये यहाँ पे देता है। तो मतलब फ्रंट एंड रैपर्स एक्सियोस हमको, JS रैपर्स, जावास्क्रिप्ट रैपर्स हमको बना के देता है एक्सियोस। तो वही यहाँ पे हो रहा है, तो वही एक्सियोस हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे अपने सारे एंड पॉइंट्स को कॉल करने के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंड पॉइंट्स को। अब रिएक्ट राउटर डॉम जो है, राउटर डॉम मतलब अपना जो एक जो लिंक्स हैं जिसमें हम नेविगेशन डिफाइन करेंगे कि होम पेज पे क्लिक किया तो अपनी सारी लिस्ट शो हो रही है। अभी लिस्ट के किसी एक एडिट बटन पे क्लिक किया तो हमारा अपडेट पेज लोड हो रहा है, या ऐड बटन पे क्लिक किया, ऐड ब्लॉक बटन पे, तो हमारा ऐड पेज खुल रहा है। तो ये जो सारा ये नेविगेशन कहलाता है, और ये नेविगेशन हमको आउट ऑफ द बॉक्स राउटर डॉम से मिल जाता है। अगर ये राउटर डॉम लाइब्रेरी हम यूज़ ना करें तो हमको काफ़ी सारा लाइन ऑफ कोड्स हमको मैन्युअली खुद से लिखना पड़ेगा। तो ये लाइब्रेरीज हमको जो रीवर्क है उससे बचाती है। और बेस URL हमने एक सेपरेट पैकेज बनाया सर्विस API नाम से, और उसी के अंदर हमने सर्विस API के नाम से एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई, उसके अंदर हमने बेस पैकेज दिया और उसको एक्सपोर्ट किया है। अभी हम कंपोनेंट्स डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारे सारे कंपोनेंट्स रहेंगे जैसे menu.js और एड ऑल ब्लॉग्स और ब्लॉग। तो जितने भी कंपोनेंट्स हम डिफाइन करेंगे उनको हमको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करना ही करना है। लास्ट कोड जो है लाइन में हमारे फाइल के अंदर, वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होना ही चाहिए, अगर एक ही कंपोनेंट के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। कि अगर हम नहीं देंगे तो जो हमारा कंपोनेंट है वो बाहर किसी को अगर यूज़ करना है, बाहर बोले तो दूसरे कंपोनेंट्स को अगर किसी को यूज़ करना है तो वो सीधे सीधे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमको ये करना पड़ेगा। और साथ में इंपोर्ट भी हमको देना पड़ेगा, ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपोर्ट्स और एक लास्ट का ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। तो ये जावास्क्रिप्ट में ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये हमको देनी पड़ेगी। अभी हम उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं बेसिकली। तो हमारा मेन्यूज जैसा आपने देखा था शुरू में, हमारे एक ही रॉ में होम और ऑल ब्लॉक्स के जो लिंक थे वो एक ही रॉ में थे, और सेकंड रॉ में हमारा डिस्प्ले एरिया था। डिस्प्ले एरिया हम उसको बोलेंगे जहाँ पे हमारे सारे पेजेस शो होंगे, ठीक है। तो वही हम कर रहे हैं। और ये एक सिंपल रिएक्ट स्निपेट करके एक एक्सटेंशन है VS कोड में, जो हमारे VS कोड को थोड़ा थोड़ा अपना आइडिया के जैसे बना देता है, जहाँ पे हम ऑटो कंप्लीट कर पाते हैं।
ऑटो कंप्लीट बोले तो जैसे अभी ये शो कर रहा है, अगर आप देखेंगे जब 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 भी कोई कमांड मैं लिखता हूँ तो जैसे मैंने बैक लिखा तो बैक के साथ जितने सजेशंस थे ये शो करने लगा, ठीक है। और इसके साथ अगर मैं एक्सियोस लिख के एंटर करता तो वो इम्पोर्ट स्टेटमेंट उसकी ऐड हो जाती है, ये ऑटो कम्प्लीशन कहलाता है। वही चीज़ हम, ये हमारा जो सिंपल स्निपेट रिएक्ट स्निपेट है ये हमको प्रोवाइड करता है। अभी हम कार्ड को, हमने एक्चुअली कार्ड का जो स्टाइल है ये हमने अपना रिएक्ट स्ट्रैप की जो साइट है वहाँ पे देख के हम उसका यूज़ कर रहे हैं, जैसा वहाँ पे उसने बताया हुआ यूज़ करने का। सेम आप भी उसको रेफ़र कर सकते हैं, और वहाँ पे कई सारे कलरफुल टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं एज इट इज़ अपने कोड में, ये ओपन सोर्स है। अभी टोस्ट कंटेनर हम यूज़ करेंगे जो कि हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई से होगा, तो देखते हैं इसको। एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हम मैं ये देना चाहूँगा कि इन लाइब्रेरीज को यूज़ करने से पहले हमको इंस्टॉल NPM इंस्टॉल और फिर उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का नाम इस तरह से हमको रन करना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि तभी हम उसको यहाँ पे ये शो फ्रॉम के बाद जब हम कॉमा लगाते हैं, कोट सिंगल कोट लगाते हैं, तो वो सजेस्ट करेगा, अदरवाइज वो सजेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी लाइब्रेरी जो है वो ऐड हुई है या नहीं हुई है। जैसे अभी हम अपना जो राउटिंग डिफाइन करने जा रहे हैं, तो राउटिंग के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, रिएक्ट राउटर डॉम, यहाँ पे देखिए रिएक्ट राउटर डॉम शो हो रहा है। तो ब्राउज राउटर को हम देंगे और नाम हम सिंपली एज राउटर दे दिया, तो हम राउटर भी यूज़ कर सकते हैं ब्राउज़र राउटर की जगह। और हमारा पूरा कार्ड का जो कंटेंट है, जो वहाँ पे जहाँ पे राउटिंग लिंक्स रहने वाली हैं, वो सारा पोर्शन हमको इस राउटर स्टार्ट और राउटर एंड टैग के बीच में देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी बेसिकली हमारी पूरी एप्लीकेशन ही हमको राउटर के अंदर देनी पड़ेगी टोस्ट कंटेनर को छोड़ के, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो हमारी योस्ट ऐप है, एंड्रॉयड एंड्रॉयड ऐप है जो कि गूगल प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। एक सिंपल ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है, वही हम उसी का नाम यहाँ पे दे रहे हैं। उसकी वेब ऐप नहीं है, तो हम एक POC में, जस्ट एक POC में हम उसके नाम, इस एप्लीकेशन को उसका नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंटेनर बना रहे हैं, कार्ड टाइटल में हमने नाम दिया, कंटेनर बना रहे हैं। कंटेनर में हमारी जो राउटिंग्स है वो डिफाइन होगी। पहले यहाँ पे हम मेनू जो कंपोनेंट बनाया था उस मेनू कंपोनेंट को यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे आपने देखा मेनू लिख के मैंने जैसे ही एंटर किया तो इसने ऊपर इंपोर्ट भी ऐड कर लिया उसका। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअल में, उन सारे कंपोनेंट्स की कॉरेस्पॉन्डिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट्स होनी चाहिए अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। क्योंकि अगर इंपोर्ट स्टेटमेंट नहीं होगी तो ये रन टाइम पे एरर देगा, छोटी छोटी एरर्स आएगी। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। तो राउट एनोटेशन, सॉरी राउट टैग है, राउट टैग जो कि हमको राउटर डॉम प्रोवाइड करता है। राउट टैग में हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा पाथ किस कंपोनेंट से मैप हो रहा है, यानी कि जब हम स्लैश बोलेंगे तो कौन सा कंपोनेंट आना चाहिए। तो जब हम स्लैश बोल रहे हैं तो सिंपल स्लैश बोल रहे हैं तो हमारा ऑल ब्लॉक्स कंपोनेंट आना चाहिए। फिर जब हम स्लैश ऐड बोल रहे हैं तो हमारा ऐड ब्लॉक कंपोनेंट आना चाहिए। इसी तरह से अगर पाथ हमारा स्लैश अपडेट रहता है तो हमारा कंपोनेंट अपडेट ब्लॉक कंपोनेंट आना चाहिए। और ये सारे एग्जैक्ट मैपिंग के ऊपर ये सारा कुछ चलेगा, ठीक है। अभी हम आते हैं जो हमारे दूसरे कंपोनेंट्स हैं, ऑल ब्लॉग, UI, अपडेट ब्लॉग, ऐड ब्लॉग एंड ब्लॉग, ये सारे हमको डिफाइन करने पड़ेंगे। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहेगा कि ऑल ब्लॉग्स रहेगा। ऑल ब्लॉग्स के अंदर हम कार्ड की फॉर्म में ब्लॉग्स को शो करेंगे, तो वो हम देखते हैं अभी कैसे करेंगे। ये ऑल ब्लॉग कंपोनेंट हम अभी फिलहाल राउटिंग के लिए सिंपल स्केलेटन कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं जिसमें कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है,
सिंपल एक एक कार्ड है, तो जस्ट टू शो यू द राउटिंग, मतलब आप लोगों को राउटिंग दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ इस सेक्शन में, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। तो ऑल ब्लॉक बनाया हमने, उसको एक्सपोर्ट किया, इसके बाद हमने एड ब्लॉक बनाया और उसको हम एक्सटेंड करें, इसको भी हम वैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो किया हमने यहाँ पे। सेम वे में हम स्ट्रक्चर बना बना के छोड़ रहे हैं अभी, फिर जब हम एक्चुअल में फंक्शनैलिटी लिखने जाएंगे या उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को डिफाइन करेंगे, उस टाइम में हम इस कार्ड एंड स्टार्ट एंड के बीच में सारे टैग्स वगैरह ऐड करेंगे जो जो हमको उसमें चाहिए वैसे। तो अभी राउटिंग में हमने दिया था स्लैश स्लैश ऐड एंड स्लैश अपडेट, तो उसी के हिसाब से हम कॉम्पोनेंट यहाँ पर लिख रहे हैं अभी। तो ऐड ब्लॉग हमने ऐड कर दिया, अभी अपडेट ब्लॉग हम ऐड कर रहे हैं, किया हमने अपडेट ब्लॉक कॉन्स्ट बनाया, फंक्शन एरो फंक्शन में हम उसको रिटर्न दे रहे हैं और रिटर्न में हम सिंपल कार्ड स्टार्ट और एंड दे रहे हैं। तो इसी तरह से हमने सारे बना लिए। अभी हमको एक ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा, वो भी हम बना लेते हैं जल्दी से। तो हाँ, मेन्यू के अंदर हमने जैसा पहले डिसाइड किया था, मेन्यू के अंदर हमको दो लिंक्स रहेंगे, एक लिंक होम का रहेगा, ये लिंक जो है ये भी हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से आता है, ये जो पर्टिकुलर टैग है ये टैग भी हमारा रिएक्ट राउटर डॉम से आता है, और इसमें हमको दो एट्रीब्यूट देने पड़ते हैं। पहला है टू, जो कि बताता है किस यूआरएल पाथ पे हमको, किस पाथ पे हमको जाना है इस लिंक से। तो अभी इस होम पे क्लिक करने पे हमारा स्लैश जाना चाहिए जो कि ऑल ब्लॉक्स वाले कॉम्पोनेंट से मैप्ड है, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारा एड ब्लॉग वाले कंपोनेंट से मैप है, तो वो दोनों पाथ हम यहाँ पे दे रहे हैं और उनका जो जो भी मैसेज है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, कैप्शन जो है वो यहाँ शो कर रहे हैं। और अभी इसको सेव करके देखते हैं सर्वर पे, क्या सर्वर के क्या हालात है, सर्वर पे क्या शो कर रहा है। npm स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली कुछ एरर्स आएगी क्योंकि हमने जो स्केलेटन बनाया है उसमें भी हमको कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, क्योंकि ये जो स्निपेट सिंपल स्निपेट टूल है ये कई बार मेरे यहाँ पे प्रॉपरली काम नहीं करता है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा टूल है। तो या जैसा कि मैंने कहा था आपको, रॉ कॉलम ऑल ब्लॉक्स ये सारी चीज़ें वहाँ पे इंपोर्ट्स इनके ऐड होने चाहिए थे, बट इंपोर्ट्स ऐड नहीं हुए हैं, तो हमको लगता है शायद मैन्युअली हमको ऐड करने पड़ेंगे, तो हम अभी वही कर रहे हैं। कॉलम ऐड किया, अगर रॉ है तो रॉ ऐड करना पड़ेगा फिर, और हर कंपोनेंट में जहाँ पे हमने उनको यूज़ किया है हमको बताना पड़ेगा कि ये यहाँ से इम्पोर्ट हो रहा है, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। जाके हम वही कर रहे हैं, इंपोर्ट इनको डालना पड़ेगा। तो जैसे जैसे एरर हमको आ रही है हम वैसे वैसे उसको रेक्टिफाई करके आगे चल रहे हैं। ये इसी तरह से हमको फॉलो करना चाहिए, ये POCs में और जो प्रोजेक्ट अभी हम कर रहे हैं इस तरह के प्रोजेक्ट में हमें इसी तरह से एरर क्रिएट कर करके उनको रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इससे क्या है, लर्निंग रहता है कि हाँ कि किस केस में हमको क्या रिजोल्यूशन देना पड़ा था, तो वो हमको नेक्स्ट टाइम के लिए फिर हमको याद रहता है कि हाँ जब हम प्रॉब्लम फेस करते हैं तभी हमको फ्यूचर में सिमिलर प्रॉब्लम्स आने पे हम उसको इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, तो हमने पहले इश्यूज देखे, अभी एक एक करके सारे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। पहले कितने सारे दिखा रहा था, अभी सिर्फ दो में दिखा रहा है, ऑल ब्लॉग और अपडेट ब्लॉग में, और वो भी क्योंकि जैसा कि हमने पहले बताया था स्ट्रक्चर बना के छोड़ रहे हैं, तो उसमें हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट्स नहीं डाली थी, तो वो भी यहाँ पे होना चाहिए था, तो वो ऐड कर रहे हैं हम। सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें और इस तरह के वीडियोज़ बनाने के लिए। ओ
तेरी। देखिए यहाँ पे अभी CSS जो है वो अप्लाई नहीं हुआ है, बूटस्ट्रैप CSS जो अप्लाई होना चाहिए था रिएक्ट स्ट्रैप के साथ वो अप्लाई नहीं हुआ है, तो उसको हमको देखना पड़ेगा। बट CSS से पहले रिएक्ट जो राउटिंग पार्ट है उसको हम एक बार पूरा देख लेते हैं, फिर हम CSS पे भी फिर से रिविजिट करेंगे CSS को। तो ये हमारा जो स्क्रीन है वो इस तरह से शो हो रहा है। अभी हम एक बार मिनिमलिस्टिक अप्रोच के साथ चलते हैं CSS बनाने तक, जब तक CSS प्रॉपरली शो नहीं होता तब तक केवल जो हमने डिफाइन किया है वही हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो हमने होम और मेनू आइटम्स ऐड किए थे, होम और एड ब्लॉक, तो वो शो तो हो रहे हैं बट विदाउट प्रॉपर CSS शो हो रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे क्या करना है इसका। menu.js भी ठीक है, थोड़ा स्टाइल अगर, हाँ अगर आपको किसी भी कंपोनेंट पे स्टाइलिंग अलग से ऐड करना है, नॉर्मली ये एक गुड प्रैक्टिस में नहीं आता है इस तरह से स्टाइल क्लास को ओवरराइड करना, बट इस तरह से हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। अगर हमको पता है कि वो केवल एक ही जगह यूज़ होने वाला है तो उसको हम इस तरह से कर सकते हैं, स्टाइल को भी इस तरह से ओवरराइड कर सकते हैं CSS को, स्टाइल CSS को। नॉर्मली क्या होता है कि अगर हम क्लास नेम के साथ देते हैं तो वो क्लास नेम के अंदर जो भी उसकी CSS रहती है वो उसको रेंडर करता है, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली स्टाइल टैग देते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट देते हैं, तो उस केस में स्टाइल एट्रीब्यूट में जो दिया हुआ है वो ओवरराइड हो जाता है, क्लास में जो दिया हुआ है वो ओवरराइड होके स्टाइल वाले को कंसिडर किया जाता है। लेकिन हमारा कोई भी CSS यहाँ काम नहीं कर रहा है, सीम्स कुछ प्रॉब्लम है शायद, या तो हमारा बूटस्ट्रैप सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, या बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है तो कुछ और प्रॉब्लम है। नॉर्मली रिएक्ट स्ट्रैप जब हम इंस्टॉल करते हैं तो रिएक्ट स्ट्रैप जब यूज़ करते हैं तो हमको दोनों चीज़ें देनी पड़ती हैं, बूटस्ट्रैप CSS और अपना रिएक्ट स्ट्रैप। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। और एक और चीज़ जो हमने app.js में ये जो था जो हायरार्की है वो रॉ फिर कॉलम है और फिर अपना ऑब्जेक्ट है, तो वो मिसिंग थी, पर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट हाँ स्ट्रक्चर हमारा ठीक हो गया है। अभी CSS अगर प्रॉपर आ जाएगा तो आई थिंक कि कुछ अच्छा दिखने में भी अच्छा हो जाएगा, बट देखते हैं। पहले हम इसी पे कंटिन्यू करते हैं राउटिंग पार्ट पे, और फिर से रिविजिट करेंगे स्ट्रक्चर को, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मेनू स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया, अभी हम कंपोनेंट में जाते हैं, ब्लॉक कंपोनेंट बनाते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था ये हमारा कार्ड रहेगा, ये कार्ड हम ऑल ब्लॉक्स वाली लिस्ट जब शो करेंगे तो वो लिस्ट से जो डेटा है वो इसमें कार्ड में शो होगा, और हर एक कार्ड एक ब्लॉक की डिटेल लेके शो करेगा विथ एक कार्ड की डिटेल, जिसमें कि कार्ड का टाइटल, कार्ड का कंटेंट, और फिर एडिट और डिलीट के बटन्स वहाँ रहेंगे, और हमारा जो कार्ड का आईडी है वो भी उसमें कार्ड में आएगा, मतलब ब्लॉक का आईडी जो है वो भी कार्ड में आएगा, बट हम उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं। मीनवाइल हम वो भी देख रहे हैं कि इशू क्या है CSS का। अभी हम ये जो हाँ, तो यहाँ पे ये हम इंफॉर्मेशन वाला जो टेम्पलेट है या जो स्टाइल है वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, तो वो यूज़ करने के लिए तरीका ये है, कार्ड बॉडी इनवर्स कलर, कलर में हम इन्फो सिंपली इन्फो लिख के पास कर देंगे तो वो टर्कोइज कलर में हमको शो करेगा। ग्रीन का एक वेरिएंट होता है टर्कोइज कलर, तो वो उस कलर में हमारा जो कार्ड है वो पूरा उसी कलर में शो होगा। तो ये और कार्ड का टाइटल और वो सारी डिटेल हम यहाँ शो करेंगे। ये blog.js है तो कार्ड का टाइटल हो जाएगा हमारा टाइटल, ब्लॉग का टाइटल, और
कार्ड का डिटेल, सॉरी कार्ड का कंटेंट हो जाएगा हमारा कंटेंट, कार्ड टेक्स्ट, सॉरी कार्ड टेक्स्ट करके, कार्ड टेक्स्ट के नाम से टैग है, वो उस टैग में हमको देना पड़ेगा। और यहाँ पे ब्लॉग ऑब्जेक्ट, हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ब्लॉग का यूज़ करेंगे, और ये जो ब्लॉग, जो ब्लॉग ऑब्जेक्ट है, ये हमको मिलेगा कहाँ से, लिस्ट से। तो लिस्ट में हम इस ब्लॉग कंपोनेंट को डालेंगे, ब्लॉग कंपोनेंट का जो टैग बनेगा उस टैग में हम एट्रीब्यूट की फॉर्म में ब्लॉग को डालेंगे, और वो यहाँ पे हमको इस ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ मिल जाएगा। और उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रीड कर रहे हैं कार्ड टाइटल में और कार्ड टेक्स्ट में, एज ब्लॉग टाइटल और ब्लॉग कंटेंट। ठीक है, ये इस तरह से हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद अभी कंटेनर में हमको बटन्स बनाने पड़ेंगे, और जैसा मैंने पहले भी बताया था, बटन्स हमको रिएक्ट स्ट्रैप से मिल रहे हैं, तो बटन बना ही लेते हैं, लिंक बना लेते हैं एडिट के लिए। लिंक ये एडिट और डिलीट वाले बटन से, तो एडिट के लिए हम लिंक बना लेते हैं। अब लिंक में, लिंक का जो स्टाइल क्लास रहती है वो बटन नहीं होती है, लेकिन हमको बटन की फॉर्म में चाहिए, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अभी क्लास नेम में हम बटन बटन प्राइमरी पास कर रहे हैं। तो वो जो कलरफुल ब्लू कलर के जो बटन्स थे वो यहाँ बनेंगे, और पाथ हमने दिया है /update, मतलब लिंक जो, इस लिंक पे क्लिक करने पे /update वाले पाथ पे जाना चाहिए, जिसकी राउटिंग हमने app.js के अंदर डिफाइन की है। ठीक है, तो ये हो रहा है, और ये राउटिंग हमको लेके जाएगी अपडेट ब्लॉग में, तो वही यहाँ से होगा। ये हो गया, अभी डिलीट बटन सिंपली हमने जस्ट प्लेस होल्डर हमने वहाँ पे डाल दिया डिलीट बटन। अभी हमारा ऑल ब्लॉक्स है, इस ऑल ब्लॉक्स के जो कार्ड हैं इसके अंदर हमको लॉजिक लिखना पड़ेगा, ताकि सारे जो ब्लॉक्स हैं वो लिस्ट की फॉर्म में यहाँ शो हो। तो वही लॉजिक हम यहाँ लिखेंगे। अगेन कार्ड का जो स्टाइल है वो हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन सेम रखना चाहते हैं, तो हम सारे कार्ड जो है हमारे वो टर्कोइज कलर के बैकग्राउंड में रहेंगे, और वाइट कलर का उनका फॉन्ट रहेगा उनके ऊपर, तो वो देखिएगा बहुत खूबसूरत लगता है। वो कार्ड टाइटल क्लास नेम हमने पास किया, डिस्प्ले टू, ये जो कॉम्बिनेशन ये भी काफ़ी अच्छा लगता है आंखों को, आप जब देखेंगे तो आपको बहुत प्यारा लगेगा। ये कार्ड टाइटल दिया, और तो कार्ड टाइटल में हम ऑल ब्लॉक्स दे रहे हैं, और ओके ये जो कार्ड है, ये कार्ड एक पेरेंट कार्ड है, और इस पेरेंट कार्ड के अंदर कई सारे छोटे छोटे अपने ब्लॉग के कार्ड्स होंगे, जो कि उन ब्लॉग्स की इंफॉर्मेशन यानी टाइटल और कंटेंट को शो करेंगे विथ एडिट और डिलीट बटन्स। तो वही हम यहाँ पे ट्राई करने जा रहे हैं। तो अभी ये जो फ्लावर ब्रैकेट्स हमने दिए हैं, इनके हम अंदर, हमको जैसा कि आपने ऊपर देखा है, हमने ब्लॉग्स नाम से एक एरे डिफाइन किया है इधर, और सेट ब्लॉग्स के थ्रू हम उस एरे स्टेट को हम यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। और जब भी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं तो हमको की भेजना पड़ेगा, और एक तो की भेजना इस मैप के अंदर, एरो फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि ये लिस्ट है, तो लिस्ट डॉट मैप, मतलब वो जो एक एक एलिमेंट है उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो डॉट मैप से होता है, तो वही हम कर रहे हैं। एक सिंगल ब्लॉक के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वही हम चेक कर रहे हैं कि अगर तो की में हम सिंपली ब्लॉग आईडी पास कर रहे हैं, और ब्लॉग ऑब्जेक्ट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ब्लॉग ऑब्जेक्ट एक्चुअली यहाँ से ब्लॉग इक्वल टू ब्लॉग ऑब्जेक्ट जब हम कह रहे हैं, तो ये पूरा जो डेटा है वो यहाँ से ब्लॉग कार्ड के पास जा रहा है, ब्लॉग कंपोनेंट के पास जा रहा है। ठीक है, और वहाँ वह हमने एक ऑल ब्लॉग में हमने एक सिंपल लॉजिक लिखा है कि भाई अरे की साइज अगर 0 से ज़्यादा है तो हम वो ऑपरेशन करें कार्ड्स पे इटरेट करके, मतलब कार्ड के ऊपर एक एक कार्ड पे जाके और उनको प्रिंट करें, अदरवाइज सिंपली हम कह दें कि भाई नो ब्लॉग्स अवेलेबल, जैसा कि अभी शो भी हो रहा है, अभी करेंटली नो ब्लॉग्स अवेलेबल शो हो रहा है, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है, ब्लॉग लिस्ट है, या जो ब्लॉग की अरे है यहाँ पे,
वो एम्प्टी है इसलिए ऐसा शो हो रहा है। ठीक है, ब्लॉग डॉट जेएस में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लॉग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हम ऑल ब्लॉग से यहाँ पे पास कर रहे हैं और वो यहाँ पे एज ए पैरामीटर आ रहा है और उसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ब्लॉग डॉट जेएस। अभी हम एड ब्लॉग लिखेंगे। एड ब्लॉग में भी सिंपली अपना जो एरर ये शो कर रहा था तो रिएक्ट को हमने ऐड किया यहाँ पे और ये स्ट्रैप ऐड किया। इसके अलावा जो भी हमको लगेगा वो हम यहाँ ऐड करते जाएंगे। जो भी टैग ऐड करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंपोर्ट भी हमको ऐड करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। अभी हम ऐड ब्लॉग लिखने जा रहे हैं और ऐड ब्लॉग कंपोनेंट में भी हम सेम स्टाइलिंग सेम ही रखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे अभी इसको यूज़ कर लेंगे और फिलहाल हम कुछ हार्ड कोड कुछ ब्लॉग डिटेल्स को कुछ हार्ड कोड कर देते हैं यहाँ पे। जब तक हम कनेक्ट नहीं करते डेटाबेस से या अपने बैकएंड सर्विस से तब तक हम सिंपली यहाँ से उसको रीड करेंगे। ये हार्ड कोडेड वैल्यूज़ हम वहाँ शो करेंगे। तो मतलब अगर सीएसएस वगैरह प्रॉपरली काम कर जाता है तो ये कार्ड की फॉर्म में ये हमको वहाँ शो होना चाहिए। तो उसको टेस्ट करने के लिए अभी हम इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं। तो ये जो डेवलपर टूल्स है ये कि हमारा डिटेल शो कर रहा है। अगेन ये कुछ वार्निंग्स हमको शो कर रहा है। वार्निंग्स आर बेसिकली वही है कि भाई हमने इंपोर्ट तो कर लिया है, कुछ जगहों पे हमने इंपोर्ट तो डाल लिया है लेकिन उन कंपोनेंट्स को एक्चुअली हमने यूज़ नहीं किया है अपने कंपोनेंट में, अपने टैग में हमने उनके टैग्स लाइब्रेरी के टैग्स को यूज़ नहीं किया शायद, इसीलिए वो एरर्स आ रही है। और हाँ, तो हमने उस जो प्रॉब्लम हमको आ रही थी सीएसएस प्रॉब्लम उसको हमने इस तरह से रिजॉल्व किया। हमको index.js में मैन्युअली हमको बूटस्ट्रैप स्लैश डिस स्लैश सीएसएस स्लैश बूटस्ट्रैप min डॉट सीएसएस इसको हमको यहाँ पे ऐड करना ही पड़ेगा मैन्युअली। और जैसा कि आप देख सकते हैं उसको हमको ऐड करने के बाद हमको हमारा जो ऐप है उसका पहला स्क्रीन मिलने लगा है। तो इस तरह से हमारा पहला स्क्रीन रहेगा और हमारा नेविगेशन है वो भी काम कर रहा है। मतलब होम पे क्लिक करने पे ऑल ब्लॉग शो हो रहा है, एडिट पे क्लिक करने पे हमारा अपडेट ब्लॉग खुल रहा है। और तो इस तरह से हमारा राउटिंग पार्ट पूरा हुआ। अभी हम डिज़ाइन टेम्पलेट्स डिज़ाइन करेंगे, टेम्पलेट्स या पेजेस डिज़ाइन करेंगे। बेसिकली ये एक सिंगल पेज एप्लीकेशन कहलाती है। रिएक्ट ऐप्स जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है। वो इसलिए होता है कि अभी हम जो भी कर रहे हैं तो कहीं पे भी हमारा पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, जो भी पेज हम लोड कर रहे हैं वो सेम उसी कंपोनेंट उसी कंटेनर के अंदर लोड हो रहा है, कहीं पे भी पेज रिफ्रेश नहीं होगा। आप देखेंगे आगे भी तो किसी भी लिंक को क्लिक करने पे कहीं पे भी पेज हमारा फिर से रीलोड नहीं हो रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। रीलोड आपको दिखेगा लेकिन वो हम लोग मैन्युअली मैसेज दे के रीलोड शो करवाने के लिए कि भाई डेटा लोड हुआ है वो सारे मैसेजेस हम दे रहे हैं ताकि एक अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। अदरवाइज इस एप्लीकेशन में कहीं आपको नहीं लगेगा कि कोई पेज रीलोड हो रहा है। तो चलिए डिफाइन करते हैं अपना टेम्पलेट, अपने चारों जो टेम्पलेट हैं वो डिफाइन करते हैं। अभी हम एड ब्लॉग को डिफाइन कर रहे हैं तो ऑन चेंज पे और ऑन सबमिट पे फॉर्म सबमिट लिखा है हमने। तो फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट पे हम सिंपली हैश बोल रहे हैं यहाँ पे। लेटर ऑन जब हम एक्चुअल फंक्शनैलिटीज यहाँ पे ऐड करेंगे उस टाइम पे हम इन हैश को रिप्लेस करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के साथ। तो वो उस टाइम पे आप देखिएगा। अभी जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट जो है वो टेक्स्ट एरिया के फॉर्म में शो होगा। तो ये एक अच्छा बड़ा टेक्स्ट एरिया दिखेगा 10 रॉज के साथ। यहाँ पे रॉज इक्वल टू 10 देने से क्या होता है कि 10 रॉ का टेक्स्ट बॉक्स एक बढ़िया अच्छा बड़ा टेक्स्ट बॉक्स हमको मिल जाएगा ब्लॉग कंटेंट को छापने के लिए। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा कर सकते हैं। स्क्रॉलेबल भी बना सकते होंगे तो आप और अगर सर्च कर कीजिएगा तो आपको स्क्रॉलेबल के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। बाई डिफॉल्ट आई थिंक ये स्क्रॉलेबल होते होंगे, बट
बट यहाँ पे हमने स्क्रॉलेबल का ट्राई किया नहीं है। इस एप्लीकेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं और ज़्यादा CSS और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वगैरह डिफाइन करके भी, और क्योंकि ये POC और इसको सिंपल रखने के लिए हमने अपडेट और ऐड के भी अलग अलग पेजेस बनाए हैं। बट नॉर्मली ये सजेस्ट किया जाता है कि एक सिंगल पेज हो ऐड ब्लॉग और अपडेट ब्लॉग दोनों का, और बेस्ड ऑन आईडी की, अगर आईडी नहीं है तो ये क्रिएट हो जाएगा, और अगर आईडी है ऑलरेडी तो ये अपडेट हो जाएगा। इस तरह से इसे ड्राइव होना चाहिए था, बट सिंप्लिसिटी के लिए हमने तो अलग अलग पेज बनाए हैं। ये ऐड पेज है, ऐड ब्लॉग पेज है, और ये बटन स्टाइलिंग वगैरह सब हमने दिया है। मार्जिन 15 px का दे रहे हैं ताकि थोड़े दोनों बटन के बीच में, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ी अच्छी डिस्टेंस आ गई है ऐड ये पोस्ट पोस्ट ब्लॉग और क्लियर बटन के बीच में। ये आप देख सकते हैं बटन्स जो है हमने रिएक्ट स्ट्रैप्स का लिया है, तो ये बटन्स यहाँ से अवेलेबल हो रहे हैं, तो इनकी CSS अब इम्प्लीमेंट हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा शो होगा। आप भी इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं, और फुल कस्टमाइजेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा कुछ आप एक एक करके ट्राई कर सकते हैं। आप आइकन डाल सकते हैं, आप बटन्स का स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। CSS में तो संभावना अभी बहुत बढ़ गई है, मतलब कलर्स में भी काफ़ी सारी संभावना आ गई है, तो वो हम जैसा चाहें वैसा हम यहाँ पे CSS बना सकते हैं। इस POC के लिए हम सिंपल रखेंगे CSS को, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहने वाला है अपडेट और ऐड का, तो वही हमने किया है यहाँ पे। अपडेट कंपोनेंट में भी हमने रिटर्न जो रहता है, रिटर्न में हम सारा कुछ सेम टैग्स और स्ट्रक्चर सारा सेम ही दे रहे हैं, और जितने भी टैग हमने एक्सटर्नल टैग्स यूज़ किए थे उनकी सारी, उन सारे टैग्स के लिए हमको लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो वो हमने किए यहाँ पे। अभी एडिट पे क्लिक करने पे न्यू ब्लॉग, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था इसलिए न्यू ब्लॉग शो हो रहा था। अभी अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली अपडेट ब्लॉग शो होने लगेगा। ठीक है, अभी पोस्ट ब्लॉग पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा क्योंकि फंक्शनैलिटी कुछ ऐड नहीं की है। अभी हमने सिंपली सबसे पहले राउटिंग डिफाइन की, उसके बाद अभी हम अपने टेम्पलेट्स डिफाइन कर रहे हैं। टेम्पलेट्स भी ऑलमोस्ट डिफाइन हो चुके हैं, अगले सेक्शन में हम देखेंगे कुछ और डमी डेटा हम ऐड करके एक बार थोड़ा ऑल ब्लॉग्स को भी देखते हैं। तो इस तरह से हमारा हमारे कार्ड शो होंगे। वैसे तो काफ़ी कूल लग रहे हैं, बट आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं कार्ड्स को भी अपने हिसाब से। और एक बात, आप किसी भी समय पॉज करके आप कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या आप चाहें तो खुद से इस कोड को लिख सकते हैं। ये एक अच्छी लर्निंग रहेगी अगर आप इस तरह से खुद बैठ के कोड लिखते हैं, चाहे देख के भी लिखेंगे तो भी एक आपके खुद के फ्यूचर के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा। आप देख देख के भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, तो वही आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट जो है वो इवेंट को कॉल, मतलब लाइफ साइकिल इवेंट्स जो होती है, जैसे माउंट हो गया, लोड हो गया, उसी तरह से काम करता है यहाँ पे यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट में हम जो भी मेथड देंगे, जब पेज लोड होगा तो उस टाइम पे ये कॉल होगा यूज इफेक्ट, और गेट ऑल ब्लॉग्स फ्रॉम सर्वर मेथड जो है वो हमारा कॉल हो जाएगा। और इस यूज इफेक्ट में हमने स्लैश और एम्प्टी एरे दिया है। ये स्लैश और एम्प्टी एरे देने का ये बेनिफिट रहेगा कि ये रिफ्रेश, पेज रिफ्रेश का जो ऑप्शन होता है वो नहीं होगा यहाँ पे, ये देने से पेज रिफ्रेश नहीं होगा। मतलब तो अभी हम बेस यूआरएल, क्योंकि वो एक सेपरेट अलग डिफरेंट कंपोनेंट में था, डिफरेंट पैकेज, सिर्फ पैकेज ही अलग था उसका, तो
उसको वहाँ उस पैकेज से हम यहाँ पे लोड कर रहे हैं। तो वही हमने किया है यहाँ पे। अभी हम देख रहे हैं कि अभी हम दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक एंड को। बेस यूआरएल हमने यहाँ दिया है और अभी हमने स्लैश ऑल दिया है, और ये जो टिल्डा है ये बेसिकली हमारे कीबोर्ड में टैब की के ऊपर जो वन के आगे एक ऑप्शन रहता है टिल्डा का, वो टिल्डा यहाँ पे उस टिल्डा के अंदर हमने अपना पाथ दिया है, ठीक है। और ये जो देन है, देन रेस्पॉन्स एंड एरर, ये काफ़ी कुछ हमारा, अगर आपने जेक्वेरी पहले यूज़ किया होगा तो जेक्वेरी में हम लोग ये चीज़ करते थे कि जब प्रॉमिस प्रॉमिस स्ट्रक्चर होता था कि देन फिर रेस्पॉन्स, और अगर सक्सेस रहता है तो ये करो और एरर आया तो नीचे वाला पार्ट करो। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। तो रेस्पॉन्स पास किया, रेस्पॉन्स में हमने सिंपली टोस्ट मैसेज भेज रहे हैं कि सारे ब्लॉग्स अपडेट अपलोड हुए हैं प्रॉपरली, और एरर के केस में हम कह सकते हैं एक यूजर क्लाइंट के हिसाब से हम एक प्रॉपर मैसेज यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग ऑन सर्वर, वी आर लुकिंग इन ऑन एट इट। तो ये मैसेज हम उसको दे सकते हैं बजाय इस तरह के मैसेज शो करने के, ठीक है। अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ। ओके, ये जो स्लैश ऑल, मतलब मैं वही कह रहा था कि पूरा जो पाथ है आपका, वो पूरा पाथ आपको टिल्डा के अंदर देना पड़ेगा। टिल्डा के बाहर देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसा कि अभी आपने देखा है, ठीक है। तो अभी रिएक्ट टोस्टिफाई भी हम देखे देखते हैं। अभी यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है। ओके, हाँ, क्योंकि टोस्ट जो है वो टोस्ट जो है वो उसको अगर हमको ऐड करना है तो हमको फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वही एक वो एक चीज़ थी, तो उसकी वजह से वो रिजॉल्व हो गया ना। अभी हम टोस्टिफाई देखते हैं। तो अभी टोस्टिफाई में भी शायद सीएसएस हमको ऐड करना पड़ेगा, देखते हैं इसका कैसे करना है इसको। टोस्ट कंटेनर आपको याद हो तो हमने app.js में हमने दिया है टोस्ट कंटेनर, और ये सारा उसी के अंदर जा रहा है। तो टोस्ट डॉट सक्सेस करने पे हमको प्रॉपरली वो शो होना चाहिए। तो उससे पहले हम एक बार ये भी देखते हैं, जो हमारा रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है लाइन नंबर 18-19 में, वो प्रॉपरली आना चाहिए। अभी हमारे अभी कंसोल क्या शो कर रहा है पहले वो देखते हैं। CSS का कुछ इश्यू फिर से आ रहा है टोस्टिफाई के अंदर, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पे ये इश्यू हमको आया था, ये इश्यू बेसिकली ये मैंने रिक्रिएट किया है आपके लिए। मैंने जानते बूझते वहाँ पे एक एनोटेशन हटाया है ताकि हम ये इश्यू शो कर सकूँ मैं आपको। ये इश्यू आता है जब हमारा फ्रंट एंड बैक एंड से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, और बैक एंड में जो एप्लीकेशन रन कर रही है उसमें क्रॉस ओरिजन इनेबल्ड नहीं है। क्रॉस ओरिजन इनेबल्ड नहीं है तो क्या होगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो बाहर के वो किसी और कहीं किसी और प्रोग्राम से उनको कॉल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए हम नहीं कर पा रहे थे। अभी यहाँ पे हम क्रॉस ओरिजन देंगे एनोटेशन, तो हेड क्रॉस ओरिजन कंट्रोलर पर डाला। अभी हम सर्वर को रीस्टार्ट करते हैं, तो अभी आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको डेटा लोड मिलेगा। तो MongoDB में जो दो दो तीन ब्लॉक्स अभी बने हुए रखे हुए डमी डेटा, वो वहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पे ये एरे में हमको डेटा शो हो रहा है, दो दो ब्लॉक्स की डिटेल्स हमको यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। मीनवाइल हम MongoDB कंपस को भी लोड होने देते हैं। ये बहुत टाइम लेता है कई बार MongoDB कंपस लोड होने में। मीनवाइल एरे में तो शो हो रहा है। अभी हमको अपनी जो ऊपर हमने जो ब्लॉक्स करके जो एरे बनाई थी उसके अंदर हमको ऐड करना था, तो हमको सिंपली सेट ब्लॉक्स के अंदर अपना रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रेस्पॉन्स डॉट डेटा पास करना था। वही हमने यहाँ किया है, और वो करने पे हमको यहाँ लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स दिख रहा है विथ
डेटाबेस से जो डेटा हमको आया उसके साथ हमको ब्लॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल ब्लॉक्स का कार्ड भी हो गया पूरा। इसके बाद यहाँ पे टोस्ट कंटेनर हमारा एडेड है, इसके अंदर हम स्टाइल वगैरह देके देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो वही हम चीज़ देखते हैं कहाँ से कर सकते हैं उसको। मुझे ये CSS का ही प्रॉब्लम लग रहा है, CSS का ही प्रॉब्लम लग रहा है। अगर CSS यहाँ से रीड नहीं कर पा रहा है तो हम उसको कोशिश करेंगे index.js में वो CSS ऐड करने का, देखते हैं। मतलब Toastify तो काम कर रहा है, Toastify तो as expected जैसा चाहिए था वैसा काम कर रहा है। ओनली थिंग इज कि हमारी जो स्टाइल शीट्स हैं या जो CSS हैं CSS हमारी प्रॉपरली काम नहीं कर रही है और इसी वजह से वो भद्दा सा मैसेज शो हो रहा है। बट देखिएगा CSS लगाते ही CSS प्रॉपरली काम करेगी तो वो मैसेज बहुत अच्छा दिखने वाला है, बहुत कूल दिखने वाला है। तो देखते हैं React Toastify क्या बोल रहा है। चलो एक बार ये हमको टोस्ट कंटेनर में कुछ एट्रीब्यूट ऐड करने का कह रहा है, ये भी ट्राई करके देखते हैं। बट ये तो सब उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि आप मैसेज को कितनी देर तक शो कराना चाहते हो या ऑटो क्लोज करना चाहते हो या ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इस हिसाब से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो फर्दर, आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पे पोजीशन दे सकते हो कहाँ शो होगा। हम टॉप सेंटर में ही रखने वाले सारे मैसेजेस, तो वो हम शो करेंगे। हमने अभी दो चीज़ें की है, एक तो हमने टोस्ट कंटेनर में ये डाला है और दूसरा हमने CSS में ऐड किया है, index.css में ऐड किया है। अभी देखें सर्वर को रिस्टार्ट किया है उसके बाद अभी देखते हैं। या देखिए कितना प्यारा मैसेज शो हो रहा है जब भी ये लोड होता है होम पे, तो ऑल ब्लॉक्स लोडिंग। तो ये इस तरह से हमारा टेम्पलेट क्रिएशन और कनेक्टिंग पार्ट पूरा हुआ। अभी हम दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अभी एक एक करके हम फंक्शनैलिटीज़ उठाते हैं। अभी हम डिलीट करने जा रहे हैं, डिलीट फंक्शनैलिटी पे काम करने जा रहे हैं। तो डिलीट बटन जो हमने लिखा था blog.js के अंदर, उस पर हम एक मेथड लिखेंगे और वो मेथड क्या करेगा, ऑन उसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम मेथड लिख रहे हैं डिलीट ब्लॉग आईडी। और डिलीट ब्लॉग में अगर आपको याद हो तो हमको उसका आईडी पास करना पड़ेगा, ब्लॉग का आईडी। तो वही हम यहाँ पे डिलीट ब्लॉग में पास कर रहे हैं। और जो हमारे कंपोनेंट की स्टेट बनेगी यहाँ पे, अभी हम आप देखेंगे हम स्टेट ऐड करने वाले हैं यहाँ पे, या इस तरह की डिलीट मैपिंग के साथ जो पाथ है वो हमने बताया आपको। यहाँ पे डिलीट ब्लॉग मेथड हम लिखने जा रहे हैं, डिलीट ब्लॉग मेथड। और इसमें भी क्योंकि ये यहाँ पे नाम भले इसका डिलीट है बट एक्चुअल में हम क्या करने जा रहे हैं, हम सिंपली यहाँ से डेटा पास कर रहे हैं बैकएंड को और एक्चुअल डिलीट ऑपरेशन जो है वो बैकएंड करके देगा, उसमें हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जैसे गेट मैपिंग थी वैसे ही यहाँ पे एक्सियोस डॉट डिलीट मैपिंग है, और डिलीट मैपिंग में भी टिल्डा के अंदर हमने अपना पूरा पाथ दिया है जो पाथ वहाँ पे एंड पॉइंट पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, डिलीट ब्लॉग में ब्लॉग आईडी एक्सपेक्ट करेगा। और जो अगेन ये पूरे एप्लीकेशन में सेम रहने वाला है, हमको रेस्पॉन्स मिलेंगे और जैसा हमारा ऑपरेशन है अपडेट है तो क्या करना है उस तरह से थोड़ा थोड़ा चेंज होगा यहाँ पे, अदरवाइज इन्फॉर्मेशन शो करना, और ये सारा कुछ सेम ही रहने वाला है। तो हम यहाँ कह रहे हैं ब्लॉग जो आईडी है ब्लॉग का या जो टाइटल है वो डिलीट हो गया है सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज हम सिंपली वहाँ शो कर देते हैं क्लाइंट को। अगर फेल होता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज शो कर देते हैं एरर वाले पार्ट में नीचे। तो यहाँ पे हम कह देंगे टोस्ट डॉट एरर, एरर विल बी शोन इन जो रेड कलर का डेंजर वाला रहता है उसमें हम शो करेंगे, ठीक है। सेम ही हम कंसिस्टेंसी रखने के लिए सेम को ही हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे सभी जगह।
हाँ ब्लॉग आईडी को हमको यहाँ से पास करना था, तो ये मेथड जो है डिलीट ब्लॉग, इसके अंदर ब्लॉग आईडी हमको मिल रहा है, ऑन क्लिक पे हम पास कर रहे हैं उसको ब्लॉग डॉट ब्लॉग आईडी को, तो ये अभी ये काम करना चाहिए। तो देख पा रहे हैं आप ये हुआ, लेकिन एक चीज़ जो बाकी है वो ये है कि हमारे जो लिस्ट है वो रिफ्रेश नहीं हुई है। होम पे जो ऑल ब्लॉग्स वाली लिस्ट है वो डिलीट बटन के क्लिक के साथ रिफ्रेश भी होनी चाहिए थी, तो वो रिफ्रेश नहीं हुई है। अभी हमको देखना है कि वो हम ऐसा क्या करें कि वो रिफ्रेश भी हो। ठीक है, तो वो रिफ्रेश कैसे होगी वो देखते हैं अभी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, और हम आपको इसी तरह के एक्साइटिंग प्लेग्राउंड सेशंस बना के दे पाएं। अभी इसके लिए हमको करना पड़ेगा अपडेट मेथड हम लिखेंगे, और ये अपडेट मेथड हमारी जो ब्लॉग्स एरे है, ब्लॉग्स एरे हमारी ऑल ब्लॉग्स के अंदर है, उस ब्लॉग्स एरे को हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। बेसिकली जब भी हमारा अपडेट ब्लॉग कॉल हो तो उस टाइम में हमारी जो ब्लॉग्स एरे है इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर जहाँ से सारी लिस्ट शो हो रही है, तो वो जो एरे है वो एरे हमको यहाँ पे मॉडिफाई करनी पड़ेगी। वो एरे कैसे लोड होनी है वो हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम उसको बोल देंगे कि भैया जो आइटम है उसके अलावा बाकी सारा लोड कर दो, जो डिलीट हुआ है ब्लॉग आईडी उसके अलावा बाकी सारा लोड कर दो। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो सेट ब्लॉग्स में जैसा कि आपको पता है स्टेट सेट करते हैं, सेट स्टेट, तो वही यहाँ हो रहा है। सेट ब्लॉग्स, ब्लॉग्स था जो सेट ब्लॉग्स हो गया, तो उसमें हम फिल्टर डाल देंगे। फिल्टर ये करेगा, एक फिल्टर में एक एरो फंक्शन है जो सिंपली ब्लॉग को कंसीडर, एक सिंगल ब्लॉग को कंसीडर कर रहा है, और उस और वहाँ पे हम ब्लॉग आईडी जो हमको मिल रहा है उसके साथ कंपेयर करके, मतलब उसके अलावा फिल्टर में जो कंडीशन है इसके अलावा सारे ब्लॉग को आप नई एरे में सेट कर दो, ब्लॉग्स एरे में सेट कर दो। तो अभी जो हमारा ब्लॉग्स एरे है वो अपडेट हो गया है, और वो जो अपडेट मेथड हमने कंपोनेंट में लिखा था ऑल ब्लॉग्स में, वो यहाँ पे रीड कैसे होगा, यहाँ पे रीड होगा अपडेट, ये जो अपडेट पैरम गया है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर उसके थ्रू हम उसको यूज़ करेंगे, और उसको हम सक्सेस मैसेज पे कॉल कर रहे हैं, यानी कि जब भी डिलीट सक्सेसफुली डिलीट होता है तो हम उसको कॉल कर रहे हैं। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं एक ही ब्लॉग था और हमने डिलीट किया तो हमारी लिस्ट जो थी वो भी रिफ्रेश हो गई साथ का साथ, क्लिक के साथ लिस्ट भी रिफ्रेश हो गई। तो आप देख सकते हैं अभी हम एड ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, एड ब्लॉग वाली फंक्शनैलिटी लिखेंगे। एड ब्लॉग फंक्शनैलिटी भी काफ़ी हद तक सिमिलर ही रहने वाली है हमारी प्रीवियस फंक्शनैलिटी के, जैसे ही हमको यहाँ पे एक्सियोस ऐड करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ फॉर्म्स हैं तो फॉर्म के जो ऑन सबमिट मेथड्स हैं, ऑन सबमिट इवेंट मेथड्स हैं, उन पे हम अपना डेटा पास कर रहे हैं। तो हैंडल फॉर्म में हम पैरम पास कर रहे हैं, और यहाँ पे हम उसको पोस्ट डेटा करके एक मेथड बना रहे हैं जो कि फर्दर जो एक्सियोस से अपना बैकएंड को कनेक्ट करने वाला काम है वो अपना पोस्ट डेटा मेथड करेगा। और यहाँ पे पैरम डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, तो प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या करता है वो यहाँ शो हो रहा है कि इनवोक व्हेन द कैंसल्ड एट्रीब्यूट वैल्यू इज़ ट्रू, अगर कैंसल एट्रीब्यूट हुआ है तो पुरानी वाली वैल्यू को प्रीवेंट करने का, जो डिफॉल्ट वैल्यूज है उनको प्रीवेंट करने का काम ये करता है। प्रीवेंट करना मतलब उसको सहेजना, ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू को सहेज के रखता है वो। अभी अपना पोस्ट डेटा मेथड हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, और उस पोस्ट डेटा मेथड को हम डिफाइन कर रहे हैं। अगेन ये तो अभी फिंगर टिप्स पे ही हो गया है कि कैसे इसको करना है, तो हम टिल्डा के अंदर स्लैश क्रिएट देंगे, और क्रिएट के साथ या तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है। क्रिएट और देन में हम पास कर देंगे
कि हमको क्या करना है। अगर रेस्पॉन्स आता है यानी सक्सेसफुल होता है तो मैसेज शो कर दो, टोस्ट मैसेज शो कर दो, और फेलियर होता है तो फेलियर मैसेज शो कर दो। तो ये कंसिस्टेंटली सभी जगह हम सेम ही काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही होगा। न्यू ब्लॉग सक्सेसफुली पोस्टेड यहाँ पे भी कर रहे हैं, और सिमिलरली एरर के केस में भी एरर मैसेज शो कर देंगे नीचे एरो फंक्शन बना के। ठीक है, सेम ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो वही हमने किया है यहाँ पे। ये हो गया, ये सब होने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे आएंगे ऑल ब्लॉक्स में, और ऑल ब्लॉक्स में आके ठीक है रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं नया ऐड करके। तो बेस यूआरएल, अगेन बेस यूआरएल हमको मैन्युअली ही इंपोर्ट करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि हमारा स्निपेट टूल उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो वो उसको ऐड भी नहीं कर पा रहा है। तो अभी उसको ऐड किया, अभी सर्वर स्टार्ट हो गया है, हॉट लोड, इसको हॉट लोड बोलते हैं। हमको सर्वर स्टार्ट नहीं करना पड़ा, हमने सेव किया और हमारे चेंजेस यहाँ सर्वर पर रिफ्लेक्ट होने लगे। ठीक है, और अभी हम अपना प्रमोशन करने जा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं प्लीज़ सपोर्ट आवर वर्क बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग एंड लाइकिंग, ऑल्सो लाइक एंड कमेंट टू इंस्पायर अस। हाँ, ये सही है कि आपके लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब से हमको पता चलता है कि हमारे काम की कोई वैल्यू हो रही है। तो अधिक से अधिक मात्रा में इसे देखें, सीखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो ये हमारा जो एड ब्लॉग है यहाँ पे, अभी हमने ऑन सबमिट पे हमको मेथड लिखना था, वो हमने कनेक्ट नहीं किया यहाँ पे, तो हमको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है तो उसको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ऑन सबमिट पे हमारा हैंडल फॉर्म कॉल हो जाएगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी हमारा जो इनपुट है, इनपुट टाइप जैसे टेक्स्ट है और इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया है, उसके अंदर जो डेटा है उसको हम बाइंड कैसे करेंगे यहाँ स्टेट से, यहाँ ब्लॉग स्टेट जो है उससे कैसे बाइंड करेंगे, तो वो यही तरीका है। तो हम सेट ब्लॉग को कॉल करेंगे, और सेट ब्लॉग में हम डॉट डॉट डॉट, ये जो थ्री डॉट्स दे रहे हैं, ये बेसिकली कहते हैं कि कॉन्केटिनेट करो, कि उसमें जो पहले से जो डेटा है उसी में ये डेटा ऐड करो, ये बात कह रहा है। तो ब्लॉग कॉमा टाइटल, और फिर उसके बाद हम कह रहे हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई जो है वो हम पास कर रहे हैं, ई या कुछ भी पैरम हो सकता था वो, तो उसको हम यहाँ पास कर रहे हैं। और उसमें टारगेट डॉट वैल्यू यानी कि उसमें जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू उस इनपुट में है, उसको हमको बाइंड करना है किससे, सेट ब्लॉक के टाइटल से, और यहाँ पे सेकंड वाले में टेक्स्ट एरिया के केस में सेट ब्लॉक के कंटेंट से। तो वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो ये दोनों काम हो गए। अभी आप देखेंगे तो टेक्स्ट एरिया में या टाइटल में हम जो भी लिखते हैं वो पोस्ट करते टाइम वो सारा जो डेटा है वो हमारा कंपोनेंट के स्टेट में चला जाएगा। अगर ऑफिशियल टर्म्स में कहूँ तो फॉर्मल टर्म्स में बोलूँ तो कंपोनेंट की स्टेट में चला जाएगा, या अपन सिंपल ब्लॉग मॉडल ऑब्जेक्ट जो बनाया उसमें हम उसको इस डेटा को भेज रहे हैं। तो अगेन हम सेम बात फिर से कह रहे हैं, तो इस बार भी समथिंग वेंट रॉन्ग। मैसेज अच्छा दिखता है रेड, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्रिएट में। ओके, यहाँ पे ये कह रहा है कि अपने रिक्वेस्ट में मॉडल ऑब्जेक्ट जो आना चाहिए था ब्लॉग, वो उसको नहीं मिल रहा है, तो वही एरर यहाँ पे शो हो रहा है। लास्ट लाइन अगर आप देखेंगे जो मैंने हाईलाइट की अभी, तो देखते हैं कोड में कहाँ पे, एक्सियोस कोड में देखते हैं अब अपना। बार बार कौन लिखेगा, तो मैं इसे सिंपली नोटिफाई में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैसेज तो हम सेव ही देंगे आपको फिर से। तो अभी देखते हैं यहाँ पे हम देखेंगे। ओके, यहाँ पे हमको क्योंकि क्रिएट एक पोस्ट मेथड है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है रिक्वेस्ट बॉडी।
और यहाँ पे हमने कुछ भी पास नहीं किया है, तो वो ऑब्वियसली वो एरर वहाँ पे आएगी। तो हम जो डेटा हमको जो यहाँ मिल रहा है वो डेटा हमने पास किया और अभी हमारा एड ब्लॉक काम करने लगा है। अभी अगर अपन पोस्ट करेंगे तो ये पोस्ट हो रहा है, और अभी हम होम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा लोड भी कर रहा है उसको। तो इस तरह से हमारा एड ब्लॉक पार्ट भी पूरा हुआ, और अब अगला पार्ट जो है वो अपडेट पार्ट है। न्यू ब्लॉग ऐड होने लगा है, स्क्रीन शो होने लगा है, ऑल ब्लॉग्स शो होने लगे, मैसेजेस शो होने लगे, ब्यूटीफुल मैसेजेस। तो कुछ और ब्लॉग आइटम्स ऐड करते हैं हम। अभी हमारे पास डेटा एक ही है, तो थोड़ा और फनी कंटेंट हम यहाँ ऐड करते हैं। फनी नहीं बट चलो, न्यूज़ में जो चल रहा है वही उठा के डाल देते हैं गूगल न्यूज़ से। ओके, तो हमारे पीएम ने आज एक स्पीच दी है, तो हम उसी का कंटेंट उठा के डाल देते हैं। ये हाइलाइट्स हैं हमारे पीएम की स्पीच की, हाइलाइट्स हैं जो कोविड की कंडीशंस अभी हमारे यहाँ चल रही है भारत में, उसी की हाइलाइट यहाँ पे दी है सर ने, कि उसका कैसे क्या मतलब आगे का क्या रहने वाला है हमको। तो वही है, हम लोग टफ टाइम से गुजर रहे हैं अभी कोविड की वजह से, पूरा देश हमारा जूझ रहा है इससे। ईश्वर हमें शक्ति दे इससे निपटने की। तो अब हम अपडेट पार्ट पे काम करने वाले हैं, तो अपडेट ब्लॉग पे काम करेंगे। तो अपडेट ब्लॉग के केस में इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि अपडेट ब्लॉग में हमको दो चीज़ करनी पड़ेगी, ऐड ब्लॉग का कोड भी जाएगा और रीड ब्लॉग का कोड भी जाएगा। रीड ब्लॉग जब मैं कहता हूँ तो हमको बेस्ड ऑन आईडी हमको उसको रीड लोड करना पड़ेगा बैकएंड से। हम आईडी पास करेंगे और उसको बोलेंगे भैया फाइंड बाय आईडी करो, और ये आप आईडी लो और इसका ब्लॉग हमको निकाल के दो, ठीक है। वो हमको निकाल के देगा और वही आईडी वही ब्लॉग हमको यहाँ पे अपडेट पेज पे लोड करना पड़ेगा। तो दो ऑपरेशंस हो गए, तो यहाँ पे दो ऑपरेशन हमको करने पड़ेंगे। और स्टेट में हम सिंपल ब्लॉग ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पे भी, जैसा कि हमने ऐड में भी लिया था, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। और फॉर्म है तो फॉर्म सबमिट करेंगे, हम सेम फॉर्म का नाम दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट फॉर्म है, तो हमको इस तरह से फ्लावर ब्रैकेट्स के अंदर देना पड़ेगा हैंडल सबमिट, या हैंडल फॉर्म ही कह लेते हैं उसको भी, जो वहाँ पे कहा था, ठीक है। अभी हम एड ब्लॉग से ही थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेंगे कोड को और वहाँ पे अपडेट कर लेंगे अपने हिसाब से। पहले हम ऐड वाला पार्ट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमारा हम पोस्ट करने वाले हैं अपना मतलब अपडेट के लिए, जो स्टेट का जो डेटा पोस्ट करने वाले वो यहाँ पे जाएगा स्लैश अपडेट में। और जैसा कि आपने देखा था बैकएंड में स्लैश अपडेट जो है, ये यूजुअली स्लैश अपडेट या जो अपडेट है ये एक स्टैंडर्ड है कि अपडेट को नॉर्मली पुट में ही रखा जाता है, ठीक है। तो अभी हम वो भी डालते हैं, पुट में डाल के देखते हैं। अभी पोस्ट में है, एक बार पोस्ट से ट्राई करते हैं फिर उसको पुट में डालेंगे। ओके चलो पुट में डाल ही लेते हैं, अभी उसको पुट में डाल के देखते हैं। axios.put और बाकी सारा कुछ सेम ही रखने वाले हैं। तो axios ऐड हो गया अपना ऊपर, और इस तरह से अपना पुट वाला पार्ट हो गया, मतलब कि स्टेट का जो डेटा है उसको ब्लॉग में लेने का और ब्लॉग में लेके उसको आगे बैकेंड में पास करने का, उतना पार्ट हो गया है। अभी हमको उस डेटा को पहले स्टेप वन जो है वो अब हम लिखेंगे, जहाँ पे हम उस डेटा को रीड करेंगे। और ये तो हमने पहले भी देखा ही था कि कैसे बाइंडिंग होगी इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया से, तो वो बाइंडिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। और हमको जो यहाँ पे हमको एट जो ये जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम वैल्यू में जो भी डेटा हम देंगे वो वैल्यू वहाँ पे शो होने लग जाएगी टेक्स्ट एरिया में, या जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर वो वैल्यू शो होने लग जाएगी। तो ये तो वहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं, वहाँ पे शो हम कर रहे हैं ब्लॉग डॉट टाइटल को और ब्लॉग डॉट कंटेंट को। तो
तो सेम चीज़ हम यहाँ पे भी लिखेंगे कोड में, और ये जो ब्लॉग ऑब्जेक्ट अभी हमारे पास है जो हमने इस कंपोनेंट में यूज़ किया है, इसको अब हमको सेट करना पड़ेगा इनिशियली। जब हमारा अपडेट ब्लॉग पेज लोड होगा उस टाइम पे ये ब्लॉग ऑब्जेक्ट हमारे पास होना चाहिए, इसमें कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो वैल्यू हमारा कहाँ से आएगा? वो वैल्यू हमारा आएगा डेटाबेस से, मतलब हमारा जो बैकएंड है वहाँ से आएगा। स्प्रिंग एप्लीकेशन है, जो एंड पॉइंट हमने डिफाइन किया है वो एंड पॉइंट हमको वो डेटा, वो ब्लॉग डेटा हमको देगा यहाँ पे। तो वही अभी हम करने जा रहे हैं। ये बेस यूआरएल की एरर है, तो बेस यूआरएल की एरर को हम रेक्टिफाई करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश अभी देंगे तो ये शो होने लगा है। इसको सेव करेंगे, तो जो भी इंपोर्ट्स हैं प्रॉपरली उनको डिफाइन करके इसको आगे देखते हैं। तो टोस्ट भी यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो रिएक्ट टोस्टिफाई भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अभी एडिट बटन पे क्लिक करने पे अपडेट पे आए, अपडेट पे आने पे ये यहाँ पे डेटा लोड होना चाहिए था, तो वही मिसिंग है, वो अब देखते हैं अभी अपन। प्रॉप्स अभी क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये प्रॉप्स हैं, इस प्रॉप्स में हमारा पैरामीटर यहाँ पे आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऑल फाइंड बाय आईडी पहले ये लिख लेते हैं। पहले हमारा जो फाइंड बाय आईडी के लिए जो यहाँ से मेथड है, दैट इज़ गेट ब्लॉग फ्रॉम सर्वर बाय आईडी, ये जो है इसके एरो फंक्शन में हम एक्सियोस डॉट गेट को कॉल करेंगे। ठीक है, गेट में हमारा जो पाथ है वो रहेगा टिल्डा बेस यू आर एल स्लैश आई डी स्लैश उसका जो एक्चुअल आई डी है वो, तो वो हमको मिलेगा। अभी हम उसको रखते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। और देन में हम सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं रेस्पॉन्स, और रेस्पॉन्स का एरो ऑब्जेक्ट एरो फंक्शन और एरर का एरो फंक्शन, और जो रेस्पॉन्स डेटा ये हमने पहले भी देखा था कि जब हम ब्लॉग को सेट कर रहे थे तो उस टाइम पे सेट ब्लॉग मेथड के अंदर हमारा जो सेट ब्लॉग ऑब्जेक्ट है उसमें हम जो वहाँ से रेस्पॉन्स डॉट डेटा आ रहा है उसको हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, और इसको हम ऑन लोड पे यानी कि अपना यूज़ इफेक्ट के अंदर इस मेथड को कॉल करा लेंगे। ठीक है, तो ये सब पार्ट ठीक है, और इसको हम यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल कर लेंगे जैसा कि हमने ऑल ब्लॉग्स जब लोड किए थे तब भी किया था। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, यूज़ इफेक्ट का जो एरो फंक्शन है उसमें हम कॉल कर लेंगे गेट ब्लॉग्स फ्रॉम सर्वर बाय आईडी, और सेम वे में ये भी कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ होने के बाद अभी हमारा जो एरर आ रहा है उस पर हम चलेंगे। अभी पहले इंपोर्ट जो अनयूज इंपोर्ट्स है उनको हटा लेते हैं, नहीं तो वार्निंग्स अपनी शो हो रही है उनको हटाने के लिए। अभी हमको देखना पड़ेगा, हम जब ऑल ब्लॉग्स में जब हमने ब्लॉग इसको लोड करते हैं तो यहाँ पे हमको नहीं वहाँ पे नहीं, हमारा जो ब्लॉग्स है ब्लॉग्स में जो डिलीट वाला लिंक है, सॉरी नॉट डिलीट बट जो बटन है एडिट बटन है, जब वो बटन क्लिक हो तब हमारे पास जो पर्टिकुलर ब्लॉग का आईडी वो आईडी हमारा पास हो अपडेट ब्लॉग वाले कंपोनेंट पे। तो वो कैसे पास होगा? वो पास होगा टू में, हम अभी तक हमने देखा था टू के अंदर हम लिंक के जो टू एट्रीब्यूट है उसके अंदर हम सिंपली पाथ दे रहे थे। अभी हम उसमें एक अरे इसमें एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं जिसमें दो पैरामीटर्स हम भेज रहे हैं, पाथ नेम और पैरम, और पैरम में हम भेज रहे हैं ब्लॉग डॉट ब्लॉग आई डी। तो अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम प्रॉप्स डॉट लोकेशन डॉट पैरम को कॉल करेंगे। ये पैरम अगर यहाँ पे जो भी नाम होता इस पैरम का वही यहाँ पे लोकेशन डॉट वही नाम हम यहाँ कॉल करेंगे। तो आई थिंक थिंग्स आर नाउ फाइन, तो अभी सब कुछ सही लग रहा है। देखते हैं अभी ये लोड करता है क्या। एडिट यप्पी, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लोड हुआ है डेटा, और अभी इस डेटा में हम और ऐड करते हैं, चार चांद लगाते हैं अपने प्रमोशन में, चार चांद लगाते हैं। अभी हम बोलते हैं शुड अपलोड
एंड टारगेट शुड बी शुड अपडेट एंड टारगेट शुड बी 100K. क्यों नहीं, हो सकता है, अगर आप लोग सब साथ देंगे तो 100K सब्सक्राइबर भी कोई बड़ी बात नहीं है. आई नो कि अभी हम लोग बहुत नीचे हैं, बहुत पीछे हैं, बट फिर भी एक दिन आएगा तब ये भी पॉसिबल होगा. तो वही है, अभी हम इसको टेस्ट करते हैं. डिलीट काम कर रहा है, होम पे जा रहे हैं तो ब्लॉग शो हो रहा है. न्यू एडिट, एडिट पे हम और ऐड करते हैं, बोलते हैं मोदी जी के लिए कुछ प्रेज. एक अच्छा कोट मुझे याद आता है, जो ऐसी टफ सिचुएशन में जो टफर लोग हैं वो किस तरह से उसको चैलेंज करते हैं सिचुएशन को और खड़े रहते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ टफ गेट्स गोइंग. तो वही अभी हो रहा है और उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं. तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए, और करें हमारे काम को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. आपका साथ रहा तो और भी इसी तरह के प्लेग्राउंड सेशंस हम लोग बनाएंगे. जय हिंद, जय भारत.